कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण वेलकम एवरीबॉडी बडी वाचा कलपत रूप कृपा सिंधु पतिता नाम वैष्णवे व्यो नमो नम अकोरी की जय ओम ज्ञानतिमंद ज्ञानंजनाशलाखया चक्षुर्मीता ये तस्म श्रीगुर्वे नम नम ओं विष्णु पा भूतले श्रीमते भक्तिता स्वामीनति नहमिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवा नहीं प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाशातेशण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो निनंद श्रीअद्वगदाधर शिवा सती गौरवभक्तवृंदा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे रामा राम राम हरे हरे कौशल्यनुपो शिवानी आके अनहर्ष हरे, हरे कृष्णा हरीश और शिवानी माताजी दे हरे कृष्णा प्रभुजी या माय ऑडियो इज ऑडिबल ऑडियोबल ठीक है और हरीश यस हम प्रभु हरीशी हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे आप सबको खुशी देके मेरा नाम नाम अनिष्ट है थोड़ा अपना बारे में छोटा सा बोल देते हैं मैं दिल्ली का रहने वाला था पहले हैं तो हम एक्चुअली ऑरिजनली नैनी के दिल्ली में बसे थे फिर उसके बाद कानपुर में इस आई में पढ़ाई किया और हम इन्फोस से थो थोड़ा टाइम काम किए थे उसके बाद इसकॉन ज्वाइन करे करीब हमको सत्ताईस साल हो गया अभी हरे कृष्णा हरे कृष्णा तो करीब मेरे क्या जून के टाइम ऐसा था एक बारी कॉलेज मैं जनरली यहाँ बीस साल से कॉलेज में पढ़ाता हूँ गीता को पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ आसान नहीं है सो so, कुछ फ्री थे थोड़ा तो सोचिए क्या करें कॉलेज तो बंद है सब तो हमने ये नेट में कोशिश किया है ये अभी सातवां बैच चल रहा है और आपको जान के खुशी होगी हम एक लाख रजिस्ट्रेशन क्रॉस कर दिए इज़ वेरी टोटल इस बारी हम लोगों ने करीब पंद्रह बीस हजार किया है पिछले बारी भी पंद्रह बीस हजार चल रहे हैं तो करीब साथ में हम मिलके के एक लाख क्रॉस हो गया है तो ये बहुत ही खुशी का बात है कि दिस इज अचीव एंड ये सातवा बारी है अटम्प्ट मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है आपको मालूम है जो दिल्ली में रहता है लखनऊ के जैसे हिंदी तो नहीं है मेरा <laughs> लेकिन हिंदी मेरा मातृभाषा है मातृभाषा में बोलने में कभी भी किसी को हिचक नहीं होती है घर में हम हिंदी बोलते हैं लेकिन उतना शुद्ध नहीं बोलता तो आप उसको थोड़ा इग्नोर कर देना बीच बीच में थोड़ा मैं इंग्लिश का शब्द जोड़ दूंगा आई थिंक आप लोगों को चलेगा और आज तो बहुत आज का जो अध्याय है आप लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है द रीजन ये आप भारत में पैदा हुए हैं महाभारत तो सभी को मालूम है तो पहला अध्याय तो आपका गीता का सीन सेट हो रहा है ये गीता इतनी पूर्ण किताब है इतनी पूर्ण किताब है कि तो पहला अध्याय ऐसा है किसी ने महाभारत ना भी पढ़ी तो उसको मोटा मोटा आइडिया लग जाता है क्या होने वाला है नहीं तो सोचो सडनली महाभारत के बीच में आया है तो पूरा आपको पूरा व्याख्या करना पड़ेगा नहीं मेन मेन जो जितना आपको जानना चाहिए आपको पूरा किताब पढ़ने के लिए उतना पहले अध्याय में दिया है तो इसलिए बहुत सुंदर किताब है ये अठारह दिन का एक बहुत बड़ा यज्ञ है मैं तो आपसे विनती करता हूँ एक संकल्प रखिए कि हम इस यज्ञ में साथ रहेंगे देखिए आप सभी बहुत बिजी हैं उसमें से आप एक घंटा निकालें छोटा चीज नहीं है एक मेरा विनती है अठारह दिन यज्ञ में थोड़ा ठीक है ऐसा हो सकता है कि मेरे से इतना गलती हो आ, कि आप लोगों को सुनने का वो तो अलग चीज है लेकिन अपना तरफ से थोड़ा हा, एक हाथ से ताली नहीं बजता है अपना तरफ से भी देखिए जरा ये यज्ञ पूर्ण हो जाए तो बड़ा खुशी होगा कभी भी किसी यज्ञ में बैठे पुजारी सबसे पहले आपसे क्या कराता है एक संकल्प लेता है ये यज्ञ में पूरा करोगे तो ना हाथ में एक बांधता है कुछ उसका क्या होता है ये संकल्प की यज्ञ हम पूर्ण करेंगे तो ये बहुत बड़ा यज्ञ है गीता महात्म्य अगर पढ़ेंगे तो इतना खुशी होता है कि एक एक अध्याय गीता का इतना महात्म्य है कि आप समझ नहीं सकते यहाँ पे एक्चुअली हर व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने एक हेड बनाया हुआ है ये करीब सौ लोग ये सेवा कर रहे हैं तो आपके पास दो लोग ऑलरेडी हैं हरीश जी एंड शिवानी जी दो और लोग हैं नूपुर माता जी एंड कौशल्या आई एम वेटिंग फॉर वो आएंगे तो ये आपको कोई भी आ, इस इस कोर्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा कोई प्रश्न आएंगे ये आपको हमेशा मदद के लिए आपके साथ रहेंगे ठीक है बिकॉज कोर्स में बहुत कुछ है आपको हर क्लास के साथ चार पांच चीज़ मिलती है आपको ये लोग आपके साथ रहेंगे उसमें कोर्स के नोट्स मिलते हैं कोर्स का क्लास का वीडियो मिलता है और आपको क्लास की क्विज होती हैं आप जो जनरल पब्लिक के क्वेश्चन होते हैं उस चैप्टर पर एफ वो भी आते हैं ये सब आपके जो होस्ट हैं आपके साथ हैं इन चीज़ों के लिए और कभी कभी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम शुरू में जरूर होगा किसी को रजिस्टर होने में प्रॉब्लम होता है मैं अभी देख रहा है कुछ लोग को ज्वाइनिंग में भी ये ध्यान नहीं रहता है कि ऑडियो मैं एटलीस्ट अभी देख सकता हूँ बीस लोग बीस से बिनी तीस लोग ऑडियो ऑफ करके आए जब ज्वाइन करते हैं जूम में आपको एक बटन दबाना पड़ता है आई थिंक हरीश जी ये हमको आ, आप अपना ग्रुप में तो डाल दीजिए हरीश जी शिवानी जी क्यों जी वो कैसे ज्वाइन करते हैं जूम में एक वो भी पहले डालना पड़ेगा क्लास के करेक्ट अब इन लोगों का क्या करें ये ऑडियो इनका ऑफ़ है मैं तो देख रहा हूँ करीब बीस लोगों का ऑडियो ऑफ है ठीक है ना तो हमको सुन सकते हैं ना उनको सुन सकते हैं एक थोड़ा सा जूम में एक बटन दबाना पड़ता है डिवाइस ऑडियो का तो नहीं तो आपको ऑडियो सुनाई नहीं देगा ओके हरे कृष्णा ये तो थोड़ा मैंने इंग्लिश में ही लिखा है लेकिन आई थिंक चल जाएगा बेसिक क्वेश्चन है उतना तो सभी को आता ही है इंग्लिश मैं आप देखिए आपको पोल करता हूँ आपको ये हर क्लास में पोलिंग रहेगा तो आपको पार्टिसिपेशन में मेरे को भी क्या होता है अच्छा लगता है देखिए ये आज सिंपल पोल है आपके बारे में जानने का इच्छुकता है, है कि आप ये कोर्स पहली बारी कर रहे हैं या दूसरी तीसरी चौथी बारी ये आपने गीता पहले पढ़ा है हमारा इसको उनका भगवत गीता एज इट इज़ उसको हिंदी में भगवत गीता यथारूप बोलते हैं हरे कृष्ण आप जाप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं और आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ आज ज्वाइन करने में ये आप बता सकते हैं ठीक है फिक्र नहीं करिए किसी को कुछ इसमें प्रॉब्लम होगा आपके ग्रुप एडमिट हैं वो आपके साथ हैं आपको मदद करेंगे सॉल्व करें आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए कुछ इधर प्रॉब्लम हो रहा है ना आप इधर कनवे इधर भी डाल रहे हैं उधर आपके साथ हैं वो कहीं पे भी डाल सकते हैं अभी करीब पचास परसेंट लोगों का आ गया रिजल्ट देख सकते हैं सब लोग ज़्यादातर लोग सेवेंटी सेवन परसेंट लोग पहली बारी कर रहे हैं लेकिन कुछ बारी सेकेंड कुछ थर्ड कुछ फोर्थ बारी भी कर रहे हैं इस कोर्स को आप भगवत गीता पढ़े हैं सिक्सटी सेवन परसेंट लोग नहीं पढ़े हैं इस गीता को ट्वेंटी थ्री परसेंट टेन परसेंट पढ़े हैं एक्चुअली बहुत सुंदर है ये आपका भगवद गीता <laughs> हम इसको क्यों रिकमेंड करते हैं आ, ये गुरु परंपरा में है पहला चीज़ गुरु परंपरा एक बहुत बड़ा चीज़ होता है जैसे आप कभी कॉलेज में अपने बच्चे के एडमिशन करते हैं तो बहुत ध्यान रखते हैं <laughs> रजिस्टर्ड कॉलेज है नहीं है बेटी की शादी करते हैं बहुत ध्यान रखते हैं लड़का ठीक है नहीं है तो गीता ही पहले पढ़ने से पहले गीता का नाम तो लिखा है लेकिन उसका तात्पर्य से प्रभाव होगा नहीं होगा अर्जुन ने गीता सुन के क्या हुआ था प्रभाव भगवान का भक्त बन गया था तो उसको पढ़ के अगर आप आदमी भगवान का भक्त बनता है तो उसको पढ़िए तो ऐसी गीता ढूंढिए जिसको पढ़ के लोग भगवान के भक्त बन रहे हैं उसको पढ़िए ये गीता ऐसे ही है करोड़ों लोग को विश्व भर में इसने कृष्ण का भक्त बना दिया है अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुकी है ये गीता बहुत रिकमेंडेड है एक एक शब्द का अनुवाद तात्पर्य बहुत अच्छा उल्लेख से दिया है और हम गुरु परंपरा में ये कृष्ण जी ने ब्रह्म को दिया नारद वेद व्यास मधुवाचार्य इस गुरु परंपरा में आचार्य प्रभुपा जी थर्टी सेकेंड आचार्य आते हैं प्रिंसिपल मेन आचार्य में और उनका ये व्याख्या से बहुत दुनिया भर में मैं भी भक्त बना मैं भी घर में बहुत गीता पढ़ा था इसको जब कॉलेज टाइम में पहली बारी पढ़ के मैं भक्त बन गया था हरे कृष्णा भक्त बनने का कोशिश कर रहे हैं भक्त बनना तो बहुत बड़ा चीज़ होता है ठीक है तो रिजल्ट तो दिख रहा है नाइन्टी लोगों को डिफिकल्टी नहीं हुआ खुशी है जान के थोड़ा रहेगा आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप में करना आज के क्लास में ज़्यादा फिक्र नहीं करिए आज तो फर्स्ट चैप्टर है कुछ आपको अगर कुछ लोगों को सुनाई नहीं भी दिया तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है इसका रिकॉर्डिंग आपको तो मिल ही जाएगा और हरे कृष्णा हरे कृष्णा तो शुरू कर देते हैं फिर चैप्टर आपसे मुलाकात हो गई खुशी है हम आज तो कार्तिक का महीना है मन तो है हमको बहुत कीर्तन करने का लेकिन सब लोग एक घंटा टाइट उसमें आए तो मैं आज को दिखा देता हूँ हम लोग अठारह बारी जब कर देते हैं नाम को हरे नाम को हम लोग ये नाम जप करते हैं माला में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैगदाधर शिवासिगौरभक्तवृंदा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम नम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम नम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम नामना हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम नाम नम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम नाम नम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम नाम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम नाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम नाम नरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम नाम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम नाम नरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण अभी मेरा वॉइस ठीक है कुछ लोग बोल रहे हैं मेरा वॉइस नहीं सुनाई दे रहा शिवानी ठीक है ना ठीक है अभी रहेगा पहले दिन ये प्रॉब्लम रहेगा देखिए आज मैंने खाली अट्ठारह बारी जब किया है एक्चुअली कार्तिक का महीना है मेरी एक इच्छा है कि आप जिसको थोड़ा इंटरेस्ट है कंपलसरी नहीं करेंगे थोड़ा जल्दी आ जाना हम लोग साथ जब करेंगे आपके एक माला जब करेंगे कृष्ण नाम का ठीक है और थोड़ा कीर्तन भी कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग हम लोग एक और काम का कर सकते हैं हम लोग ये पूरे गीता के श्लोक जब कर सकते हैं ठीक है जो चैप्टर में सारे श्लोक हैं क्या होता है कि हमारा एक घंटे का सारा स्टडी में हमारा फोकस रह जाता है फिलॉसफी में सारे श्लोक जब करना संभव नहीं होता है खाली श्लोक ही जब करने में बहुत टाइम लग जाता है तो इसलिए क्या करेंगे जिसको इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट है थोड़ा जल्दी आ जाना हम लोग ढाई बजे से शुरू कर देंगे कीर्तन जब और श्लोक तीन बजे ठक क्लास शुरू कर देंगे ठीक है अच्छा रहेगा चलिए क्योंकि तो आप लोगों का सब लोगों का टाइम वैलेबल है बहुत लोग काम छोड़ के इसमें आए हैं तो वी हैव टू ऑनर ये जो लिंक है हमारा ये मंदिर का लिंक है आप इस पे सुबह से साढ़े चार से मंगल आरती सारे प्रोग्राम रहते हैं रात को कृष्णा बुक का भी रीडिंग होता है आप पूरे दिन इसमें प्रोग्राम चलते रहते हैं इस लिंक में आप कभी भी ज्वाइन आपको फ़ायदा है इस लिंक में एक मैं चैट को भी बंद कर देता हूँ बिकॉज उसमें लोगों को डिस्ट्रैक्ट होगा हरे कृष्णा भगवत गीता को समझे अठारह दिनों में सबसे पहले प्रभुपा जी को नमस्कार करना हमारा फर्ज है हम हाँ उनके शिष्य हैं और उन्हीं की शिक्षा हम आपको इसमें दे रहे हैं कौन है प्रभुपात जी भक्ति विदान स्वामी प्रभुपात फाउंडर आचार्य स्कॉन के पूरा इस्कॉन का संस्थापना इन्होंने किया था इनके बारे में थोड़ा सा सारांश में हम अभी आज बोलना चाहेंगे जैसे गीता चलता रहेगा उनके बारे में बताते रहेंगे बहुत अच्छे उदाहरण एक महान भक्त के उदाहरण उन्होंने दिए थे कृष्ण का संदेश एक गुरु परंपरा से आता है आ, आता है कृष्णा ब्रह्मा नारद वेद व्यास मध्वाचार्य ऐसे आता है प्रभुपा जी इसी परंपरा में आ रहे हैं ये हमारे आपने मैंने बताया आपको बत्तीसवें महान आचार्य हैं गुरु परंपरा बहुत आचार्य रहे हैं बत्तीस नहीं पाँच हज़ार साल में तो उससे भी ज़्यादा रहेंगे लेकिन प्रोमिनेंट आचार्य में से वो एक प्रोमिनेंट आचार्य रहे हमारी परंपरा में जन्म से वो कृष्ण के महान भक्त थे और अपने ही घर में छोटे छोटे पाँच साल की उम्र में ही रथ यात्रा करते थे राधा कृष्ण के खुद अपना ही एक सेट था उसकी पूजा करते थे पिताजी को बहुत खुशी थी पिताजी कृष्ण के बहुत भक्त थे बहुत खुशी थी मेरा बेटा एक राधा कृष्ण का अच्छा भक्त बन रहा है बहुत खुशी थी उनको जब कोई पच्चीस छब्बीस साल के हुए तो उस समय पहली बार अपने आचार्य गुरु को मिले थे गुरु ऐसी चीज़ होती है तो दिल से स्वीकार होता कोई है ना जबरदस्ती नहीं होती उसमें पहली बार उनको मिले थे उनका दोस्त उनको मिलने ले गया था कलकटा में और जैसे ही मिले थे उनको लगा था ये तो बहुत महान व्यक्ति है जैसे ही मिले पहली बारी नमस्कार नहीं पूरा नहीं हुआ उनको जीवन का आदेश दे दिया था तुम्हारे एक फर्ज है इस गीता के ज्ञान को विश्व भर में एक एक शहर में ले जाओ उन्होंने बोला अरे ये कैसे संभव सकता है हम तो गुलाम देश है अभी हमारा तो 1922 बात है इसमें तो कैसे करेंगे बोला नहीं ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है ये पॉलिटिकल एडजस्टमेंट पे डिपेंड नहीं होना चाहिए तुम इसको इमिडियली शुरू करो इतनी खुशी से उन्होंने वो स्वीकार किया कहले की करे कैसे सबको बोलते थे इतना मुश्किल काम दे दिया मेरे मैं कैसे कर सकता हूँ ये जो भी बिजनेस उनका एक एक रुपया होता था, था उसको लेके कोशिश कर रहे थे किताबें प्रिंट करने का डिस्ट्रीब्यूट करने का लेकिन मूवमेंट नहीं शुरू हो रहा था थोड़ी देर बाद उनको यह समझ आया और उन्होंने 1950, 1950 में जब पचपन साल के थे अपने घर अपने बच्चों के हाथ में सौंप के बच्चे बड़े हो गए थे भी फिर वो वृंदावन आए सन्यास लिया फिर भी उन्होंने एक सन्यासी के रूप में कोशिश किया इस मूवमेंट को फैलाने का बहुत मुश्किल है कोई नहीं सुन रहा लोग बोल रहे हैं इसका क्या फ़ायदा है सबको बोलते थे भाई गीता का एक बहुत महत्व है पूरा दुनिया में इस मैसेज को जाने का क्या फ़ायदा है लोग उनके पास आते थे उनको बोलते थे कि कुछ पवित्र जीवन को अपना पवित्र रखो हरि नाम का जाप करो उनको सपोर्ट नहीं मिला एक ठीक है कुछ फॉलो मतलब एक सपोर्ट होता है ना मूवमेंट वर्ल्ड वाइड मूवमेंट बेस इंडिया में ही बनाने का कोशिश किया उन्होंने 1922 से ले 1965 44 इयर्स नहीं कर पाए बेस नहीं बन पाया इंडिया में थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ लेकिन एक सॉलिड फाउंडेशन बन नहीं पाया सत्तर साल की उम्र पहुंच गई <laughs> सोचो और उनको एक दुख था वो वृंदावन में थे सन्यासी थे एक दुख था कि एक गुरु का आदेश पूरा नहीं कर पाए एक दिन उनको कोई मिलने आया था उन्होंने बहुत किताबें लिखी थी उनका तो लोग आदर करते थे तो एक आदमी उनको मिलने आया बोला स्वामी जी बोलिए क्या सेवा कर सकते हैं बोले जो जिंदगी तो हो गई पूर्व मैं अपने कहा गुरु का आदेश पालन नहीं कर पाया अरे स्वामी जी ऐसा नहीं बोलिया ऐसा नहीं बोल क्या कर रहे उम्र हो गया अब क्या कर रहे हम सत्तर साल का उम्र हो गया नहीं कर रहा बहुत कोशिश किया नहीं हो पाया मेरे से तो बोले नहीं स्वामी जी एक आपको अवसर देते हैं बोले कोशिश करो मैं रेडी हूँ अभी भी रेडी हूँ इस उम्र में भी रेडी हूँ यहाँ तो नहीं हो पाएगा यहाँ लोग नहीं देख रहा हैं उनको पाश्चात्य प्रकृति से बहुत आकर्षण है नहीं सुनता जितना भी सुनो तो उन्होंने बोले ठीक है मैं मेरा बेटा अमेरिका में है मैं आपका वीजा करा दूंगा बोले चलो प्रयत्न करो मेरे पास तो एक रुपये नहीं है देखते हैं क्या करेंगे तो वीज़ा तो आ गया उनके पास एक दिन चिट्ठी में एक महीने का वीज़ा अब उन्होंने वीज़ा के बाद टिकट का पैसा नहीं है अभी तो सन्यासी है तो बॉम्बे में एक लेडी थी सुमति मर्र जी उसको मिले जिसका शिप था शिपिंग कंपनी था जलदूत शिपिंग कंपनी करोड़पति लेडी थी जैसे आपके अभी आजकल अंबानी है बहुत मतलब शिपिंग मतलब एक एक शिप कितने करोड़ों का होता है उसे बहुत शिप थे उसके उसको उन्होंने विनती करी मेरे को एक चीज़ चाहिए अपना कार्गो शिप में एक फ्री पैसेज मेरे को दे दीजिए तो उसने अपने कार्गो शिप में उनको फ्री पैसेज दिया बहुत ही दर्दनाक यात्रा रही उनको तीन बारी करीब दिल में होता ना दिल का बहुत ही दर्द हुआ रात को उनको लगता था कि अब जी नहीं पाएंगे कृष्ण की कृपा से किसी तरह अमेरिका पहुंचे और वहाँ पे वो लड़का जो जिसने स्पॉन्सर किया था वीजा उसके घर में दस पंद्रह दिन रहे उसका उनको लगा ऐसे तो मूवमेंट नहीं होगा फिर तो पंद्रह दिन में वीजा बंद हो रहा है वापस जाना है ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता कुछ रोज़ उसने लड़के ने मीटिंग अरेंज की थी इधर उधर लेकिन ऐसे नहीं तो एक जगह चाहिए जहाँ लोग आए इकट्ठे हों हर दिन आए कीर्तन सुने गीता सुने तो चलेगा फिर वहाँ से वो आ, बटलर पेनि, पेनिसवेनिया से छोड़ के न्यूयॉर्क हुए अकेले कोई सहारा नहीं अभी और अमेरिका वहाँ पर जाके उन्होंने आप देखें पार्क में जैसे राइट में बैठे ऐसे इस्कॉन की स्थापना हुई इस्कॉन की स्थापना ऐसे पार्क में हुई है <laughs> कोई जादू दिखा के नहीं हरी नाम की शक्ति से नाम उपासक नाम के उपासक थे नाम के सेवक भगवान के नाम के सेवक उन्होंने बैठ के ऐसे नाम का सेवक करते थे चार घंटा एक बारी में और लोग देख रहे हैं कहाँ से आप प्रयत्न करते हैं हमेशा कोई अच्छी चीज लोग मदद करने जरूर आते देखो कहाँ कहाँ से लोग आ गए बैठ के कोई कहाँ उन करताल कोई बजा रहा है कोई तरह <laughs> तरह के लोग बैठ के उनके साथ क्योंकि उस समय अमेरिका में थोड़ा बहुत उथल पुथल चल रहा था बहुत उथल पुथल अमेरिका वियतनाम वॉर में फंसा हुआ था और पूरा कंट्री में रिवोल्ट था उस वॉर के अगेंस्ट कि इस चीज़ में फंस गए पूरा यूथ रिवोल्ट कर दिया था तो वो हज़ारों लाखों में लोग पार्क में रहते थे घर छोड़ देते बहुत सारे कृष्णा का अरेंजमेंट था उनको उस पहले नहीं लगे ऐसा नहीं होती सक्सेस राइट टाइम में लगे तो पूरा जब बॉयल था पूरा लोग एक अपनी संस्कृति के अलावा बाहर की कोई चीज़ को अपनाने का थोड़े खुल गए थे तो उस समय ओपन हो गया था ओपन माइंड था और राइट टाइम में पहुँचे थे और एक नहीं उनका नियम वही था साढ़े तीन बजे सुबह उठने का हरि नाम का जाप करने का गीता भागवत का अध्ययन करने का जीवन परित्र रखने का ये भारत में कोई तैयार नहीं था इसलिए ये लोग रेडी हो गए फार्मूला तो फॉर्मूला होता है भाई ऐसा नहीं है भगवान तो बोलते हैं हरी कृष्ण जी बोलते हैं मैं तो सभी का पिता हूँ ऐसा नहीं हो कि भारतीयों के पिता है तो भगवान तो सभी के पिता होते हैं कोई भी अगर ये प्रोसेस फॉलो करेगा हरि नाम का जाप करेगा और पवित्र जीवन जिएगा तो जरूर उसको गीते का ज्ञान समझ आएगा तो उन्होंने यही किया कोई नया चीज़ तो नहीं किया लेकिन यहाँ लोग एग्री करें उसके बाद चार हजार अमेरिकन यंगस्टर उनका आप चेहरे देखिए सन्यासी ब्रह्मचारी बनाए उनको ट्रेनिंग करके ऐसा नहीं है मजाक ट्रेनिंग करके और उसके बाद उनकी मदद से उन्होंने विश्व भर में इस आंदोलन को फैला दिया और बड़े बड़े जो स्कॉलर्स है सब लोग उनके इस मूवमेंट को अप्रिशिएट किए एंड मूवमेंट डेवलप हुआ ये देखिए और ये उनकी किताबें हैं पूरी रात बैठ के किताबें लिखते थे पूरी रात इसलिए मैं आपको कुछ लोगों को रिक्वेस्ट किया था जिसके पास क्षमता है ये किताबें जो आपको सेट मिलता है माला के साथ ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा देखिए मैं तो आपको क्या दिया नहीं दिया ये तो चला जाएगा लेकिन ये चीज़ नहीं जाने वाली किताबें जो जो ज्ञान पढ़ लेंगे जिंदगी भर आपको एक आपके साथ रहेगा हम तो अठारह दिन में चले जाएंगे ठीक है ये मैगजीन एस्कॉन की है बैक टू गॉर्डर दो मिलियन बीस लाख कॉपी महीने का डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग सारी लैंग्वेज में वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट होता है ये हमारे राधा कृष्ण जी हैं राधा गोविंद जी बोलते हैं हम इनका सुंदर मंदिर मैंगलोर में बनाया है अभी छोटे घर में है और बड़ा मंदिर बनाने की इच्छा है हमको जमीन लिया हमने अभी रिसेंटली कृष्ण की कृपा होगी बन जाएगा एक सुंदर मंदिर इन्हीं के लिए ये हमारी सेवा हो रही है राधा कृष्ण जी के लिए हमारा अगर आप बैंगलोर को जानते हैं शायद आप तो हिंदी भाषी हैं हो सकता है कोई कर्नाटक में भी होंगे मैंगलोर एक कर्नाटक में कोस्ट में आता है गोवा के नीचे इधर हाँ हम लोग मेरा नेतृत्व में काम हो रहा है मैं प्रेसिडेंट हूँ और ये रिस्पांसिबिलिटी लिया है इस प्रोग्राम के लिए गीता तो एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं का उत्तर है ये महा महात्मा गांधी द्वारा और बड़े बड़े लोगों के द्वारा इसका बहुत वर्णन किया गया एक तो बहुत ही बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये मैं आपको दो उदाहरण देता हूं इसमें ये देखिए जो लोग गीता का ध्यान करते हैं वो हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ प्राप्त करेंगे हर दिन कोई भी चीज होती है ना आप उसे बोर हो जाते हो दो दिन गीता से कभी बोर नहीं होगी पढ़ते रहिए उसमें आध्यात्मिक अलौकिक स्तर है एक तो स्तर होता है गीता का आप उसको एक किताब की तरह देखते हो जिसमें कुछ इंक डाला हुआ है उसके ऊपर स्तर होता है आप समझते इंक नहीं डाला कुछ उसमें कथा है कुछ कहानी है कुछ कुछ मैसेज है जानवर के लिए एक पेपर में इंक ही है आप मनुष्य है आपके लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है पढ़ सकते हो उसको एक लेवल होता है चलो मेरे को समझ आ गया ये तो क्या लिखा है गीता के मैं एक एक पॉइंट को एग्री करता हूँ एक लेवल है वो भी बड़ा लेवल है उसके ऊपर का लेवल और ऊपर होता है आपको गीता एक कुछ नहीं कृष्ण का एक प्रेम पत्र दिखता है प्यार से मेरे बेटे घर वापस आ जाए ये दूसरा लेवल है उसके भी ऊपर लेवल है जब आपको गीता कुछ नहीं है भगवान का आदेश दिखता है तो अलग अलग लेवल पे गी, भगवत गीता है जैसे मन पवित्र होता चला जाएगा आपको एडवांस लेवल का दर्शन होगा ये खाली एक पुस्तक और इंक नहीं है बहुत कुछ है इस किताब में गीता को भगवान का स्तर दिया जाता है इसको ग्रंथ अवतार बोला जाता है ग्रंथ में अवतार है जैसे ये होता है ना आपको नाम अवतार नाम कोई भगवान का अवतार बोलते हैं विग्रह कोई भगवान का अवतार गीता को ग्रंथ का अवतार बोलते हैं जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और महसूस करता हूं कि भगवान इस ब्रह्मांड को कैसे बनाए कितना शानदार है बाकी सबकी बहुत छोटी लगती है ठीक है एक विशाल ग्रंथ है अठारह दिन में हम क्या पढ़ेंगे इसको एक्चुअली अर्जुन ने इसको खाली आधे घंटे में समझ लिया था खाली आधा घंटा लगा था पूरा युद्ध रुक गया था आधे घंटा के लिए युद्ध करने से पहले अर्जुन जी कृष्ण के पैर पड़ गए थे मेरे को आ, युद्ध करने का मन नहीं कर मेरे को लग रहा है मेरे से कोई गलती हो गई है ये युद्ध नहीं होना चाहिए उसने पांच कारण दिए थे उसको हम स्टडी करेंगे तो ये जो है कृष्ण का ही अरेंजमेंट है एक्चुअली मेरा अठारह दिन में उद्देश्य क्या है कि आपको गीता के घंष्ट अध्ययन के लिए आपको तैयार करना अठारह दिन में आप गीता नहीं इसमें सालों लगते हैं अठारह दिन में एक इंट्रोडक्शन आएगा तीन लेवल में हम गीता सिखाते हैं आपको उसके बाद एक हमारा सेकंड लेवल में है जो आपके जितने एडमिश हैं सब उस लेवल में पढ़ाई कर रहे हैं अभी सेकंड लेवल में हम गीता के इम्पॉर्टेंट श्लोक जो है एक सौ आठ इंपॉर्टेंट श्लोक उनको कंटस करते हैं और उसका उसका ज्ञान डीपली स्टडी करते हैं और तीसरे लेवल में स्कॉलर स्टडी होती है गीति की एक एक श्लोक का स्टडी होता है एक एक श्लोक का दूसरे श्लोक से क्या रिश्ता है पूरे अध्याय का क्या मूल तत्व है उसका हमारे जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण है उल्लेख है उस पर उसको करीब हमको करीब एक चैप्टर में कभी कभी एक महीना लगता है वो एक साल नौ महीने से एक साल का कोर्स है उसको हम भक्ति शास्त्री कोर्स करते हैं तो गीता एटीन डेज फिर उसको बोलते हैं भक्ति वृक्ष फिर भक्ति शास्त्री तीन लेवल का हमने गीता का आपका अध्ययन रेडी रखा है पहला कोर्स अठारह दिन का है दूसरा कोर्स तीन महीने का है तीसरा कोर्स करीब एक साल का है इसमें आपको बंदिश नहीं है सारे कोर्स फ्री हैं आप कुछ इच्छा होगी तो आप ज्वाइन कर सकते हैं भगवत गीता का मोठ एक्चुअली अर्जुन को आप ये समझिए वो हनुमान जी से कोई छोटा वक्त नहीं है भगवान का बहुत प्रिय मित्र है उसको युद्ध के पहले हिचकना ये तो ऐसी हिचकन हो गई हनुमान कूदने के लिए सोच रहा है हरे कृष्णा शिवानी माता जी एनी प्रॉब्लम हरे कृष्णा प्रभु जी नौ no? उट एंड थोड़ी देर अभी गीता के अंदर घुसते हैं हम ठीक है आधा घंटा तो मैंने इसमें निकाल दिया इंट्रोडक्शन आज पहला दिन ऐसा ही है ठीक है तो गीता कृष्ण की अवस्था है समझ ऐसा नहीं की आप तो आप आप लोगों को मेरे को बोलने में बहुत खुशी होती है बिकॉज आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं हम भर में प्रचार करते हैं उधर क्या है ये भी बताना पता अर्जुन कौन था कर्ण कौन था दुर्योधन कौन था लोग कुछ नहीं मालूम है आपको तो सब मालूम है तो थोड़ा मेरे को बस कनेक्शन करना है और एक थोड़ा क्या होता है हम लोग को ज्यादातर अभी हम लोग महाभारत टी में देखते हैं टी में महाभारत कौन बनाते हैं मतलब तो कमेंट नहीं करना चाहता लेकिन सत्य बोलना हमारा एक फर्ज है ये साहस बहु सीरियल बनाने वाले लोग लोग पूरे एक महान ग्रंथ को जो अलौकिक है जो पवित्र है थोड़ा अपने भौतिक सर के नीचे खींच देते हैं तो उसमें हमको थोड़ी थी गलत गलत समझ आती है थोड़ा कभी कभी ऐसा भी होगा मैं ऐसी चीज बोलूंगा जो आपको लगेगा कि गलत है आप मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं आराम से क्योंकि मैं आपको ग्रंथ के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं आपको एक टीवी सीरियल के हिसाब से नहीं बोल रहा है उसमें थोड़ा वो लोगों ने अपना उनका बहुत बाकी लक्ष्य पे रहते हैं गीता पढ़ाने के अलावा उसमें वो मिलावट कर देते हैं तो एक्चुअली अर्जुन कृष्ण के महान भक्त है वो लोग कभी नहीं बताएंगे आपको ये सच <laughs> जैसे हनुमान जी हिचक रहे अर्जुन का भी हिचकना एक्चुअली सरप्राइज है इतना महान भक्त भगवान की सेवा में हिचक कैसे गया एक्चुअली कृष्ण का अरेंजमेंट था उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उसको भ्रमित कर दिया था अर्जुन का भ्रमित होना असंभव है वो तो नरनारायण ऋषि है आप जानते हैं हिमालय में नरनारायण ऋषि नर अर्जुन है वो कितने कृष्ण का नित्य दास है कोई हो ही नहीं सकता ये कि वो हिचक जाए भगवान के सेवा कभी नहीं करेगा इतना महान भक्त कभी हिचक नहीं सकता उसको ये नहीं होता भगवान ने थोड़ा उसको विडंबना करा दी थी क्यों उनको मन था गीता को एक सारांश में पूरा वेद का सारांश देने का क्योंकि तो कलयुग में देखिए अगर गीता नहीं होती हमारा क्या हालत होता एक इस पूरे वेद का सार जो उनको गीता के रूप में मिला कौन बनाता वेद का सार अब भगवान कृष्ण सिद्धि खुद बना दिया तो उसका ऑथोरिटी बन गया ना सारे आचार्य लोग गीता की पूजा करें कि इतना सुंदर सारा पूरे वेद का भगवान ने दे दिया हमको एक हमारे लिए फल है हमको गीता ही पढ़ के लोग डर जाते हैं कि इतना बड़ा किताब है अपन नहीं होता <laughs> अरे यार अगर सोचो हजार किताब ऐसे हो आपको तो आप तो कभी भी समझ ही नहीं पाते वेद में सारा वेद का मतलब क्या इसलिए गीत में पूरे सबका सारांश आपको मिल जाता है भगवदगीता में स्पष्ट पहले ही श्रोता है अर्जुन और भगवदगीता सभी के हित के लिए चलिए गीता के अंदर चलते हैं इसमें आपके गीता महात्म्य है ये गीता शासदम पूर्णम य पटेत प्रयत पुमान विष्णु पादम अवाप नौती भय शोकादि भगवत गीता दिव्य साहित्य जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है भगवान विष्णु का आश्रय जरूर प्राप्त होता है विष्णु और कृष्ण एक ही है एक ही व्यक्ति जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है वैकुंठ भगवान का धाम है जिसमें कोई चिंता नहीं वैकुंठ महाकुंठा नहीं चिंता नहीं गीता मात में एक गीता मात्म तो गीत्या अध्ययनशील से प्राणायाम पर नैव संति ही पापा पूर्व जन्म कृता च यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा तो तो गंभीरता के साथ पढ़ता है भगवान की कृपा से तो सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता भगवान आपको पूर्ण रूप से पाप कर्मों से भी मुक्त कर देते हैं इतना इसका फल है देखिए तो इसलिए मेरी आपसे विनती है क्या कि अभी इस यज्ञ में साथ रहिए ऐसा खुशी होगा कभी हो सकता है आप किसी कारण से वर्षे कुछ आप नहीं आ पाए ये रिकॉर्डिंग को आप जरूर देख सकते हैं पिछले पूरे मेरे अठारह क्लास का रिकॉर्डिंग मेरा यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी है इसका भी हम एक एक करके डालते रहेंगे लेकिन कोशिश करेगी इसको यज्ञ को पूर्ण करें मलिने मोचनम पोमसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मलनाशनम मनुष्य जल में स्नान करके अपने को स्वच्छ कर सकता है लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा के जल में एक बार स्नान कर ले भौतिक जीवन भव सागर के मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है पूर्ण रूप से कितना इतना पवित्र है बार बार ये बोला जाए बहुत पवित्र ग्रंथ है आप स्नान करके तो थोड़ा पवित्र होते हैं लेकिन गीता के स्नान से पूर्ण रूप से पवित्र हो गीता शंकराचार्य लिखे हैं और पद्म पुराण में एक एक चैप्टर का लिखा है, एक एक चैप्टर इधर तो हम खाली पूरे गीता का एक महात्म दे रहे गीता सुगीत कर्तव्या किमन शास्त्र विस्तरे यह स्वयं पद्म नावश्य मुख पद्म क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली अतः किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती केवल भगवत गीता का ही ध्यान से करना चाहिए। एक पुस्तक भगवत है क्योंकि समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने ही खुद किया है गीता महात्मा चार भारत अमृत सर्वस्व विष्णु वक्त अद्विनी गीता गंगोदीता पुनर्जन्म जो गंगा जल पीता है वो मुक्ति प्राप्त करता है जरूर अतः उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता अमृत पान करता हो भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इससे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुना है गीता महा पांच सर्वोपनिषदो गा वो दोग्धा गोपाल नंद पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम अगर पूरे वेद को आप एक गाय की तरह ले लें ले, ठीक है जिसमें उपनिषद है उपनिषद गीत के अंदर आते हैं तो उस गाय को दूध निकालने वाले कृष्ण जी हैं गोपाल नंदना है। और उसको गाय अगर बछड़े को देखते हो तो ज्यादा दूध देती है है ना तो बछड़े तो अर्जुन है उनके नाम पे दूध निकाला गया और पीने वाले हम लोग <laughs> बहुत सुंदर है बहुत ही सुंदर है ये गीत उपनिषद भगवत गीता समस्त उपनिषदों का सार है गाय के तुल्य है और ग्वाल गौ, बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण गाय को धू है अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त आपकी बात हो रही है भगवत गीता के अमृत में दूध को पान करने वाले हैं तो आप सब जो इकट्ठे हुए हैं दूध पीने के लिए अर्जुन और कृष्ण को थोड़ा आप थैंक्स करिए उनकी वजह से दूध मिल रहा है उनको एक शास्त्र देव की पुत्र गीतम पूरा विश्व चाहता है कि एक शास्त्र हो गया भगवत गीता बना दो एक शास्त्र और दूसरे शास्त्र की जरूरत क्या है एको देव देव के पुत्र एक भगवान चाहिए है ना कृष्ण जी हो गया दो हो गया एको मंत्रता से एक मंत्र चाहिए चलो हर कृष्ण का नाम जब करो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कर्मा नहीं एकम तसे देव सेवा से एक कर्म होना चाहिए कृष्ण का सेवा बस बहुत सिंपल है ये गीता माथ सातवा तो ये शंकराचार्य का नी लिखित बहुत सुंदर है आप हो सकता है तो कंठस्थ करिए इसको हम गा भी सकते हैं बहुत भक्त अच्छे से गाते हैं लेकिन अभी आगे चलते हैं हमारा टाइम चल रहा है तृत राष्ट्रवाचा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र महाका पांडव अकुरजया शुरू हो गया भगवत गीता पहला अध्याय पहला श्लोक तृतराष्ट्र ने कहा हे संजय धर्म भूमि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा के एकत्र मेरे पांडुपुत्र ने क्या किया किम अकुर बोलो ये प्रश्न क्या है जैसे भारत की और चीना चीन की युद्ध सेना भी लद्दाख में इकट्ठा है हर दिन पढ़ते ना क्या हुआ क्योंकि बहुत कुछ हो सकता है युद्ध भी कर सकते हैं शांति करके वापस भी आ सकते हैं वहां पर बैठ भी आ सकते हैं थोड़ा हाथापाई कर सकते हैं पता नहीं क्या कर देंगे हमको मालूम नहीं इसलिए हर दिन चिंता में हम देखते हैं क्या हुआ धतराज तो को भी धर्म क्षेत्र बोला है इसलिए रीजन आ गया है धर्म क्षेत्र क्यों बोल दिया उसको अभी इसकी वजह से थोड़ा नावकुरु क्षेत्र ही बोल सकता था सीधा उसको डाउट आ गया ये धर्म क्षेत्र में युद्ध हो रहा है क्यों ऐसे तो मैं गया मेरे बेटे गए क्यों गए उसको मालूम था कि पांडु के बेटे बड़े धार्मिक हैं धर्म क्षेत्र का प्रभाव धार्मिक लोगों में पड़ता है अधर्मी लोगों में नहीं पड़ता जैसे तीर्थ यात्रा में जाते हैं मूलतः है जो भाग भक्त तो होते हैं उनको आनंद आता है जो अभक्त है वो तो जैसे घूम के आगे उनको तो कुछ पता भी नहीं चलता तो भाव है तो ये तो लोग भक्त हैं इनको तो ये जगह गलत हो गए धर्म क्षेत्र है क्या किया तो मैं ये तीन लोगों का ये जो अध्याय मेरा पहला अध्याय क्या है तीन लोग इस युद्ध भूमि को देख रहे हैं अर्जुन और दुर्योधन इस चैप्टर में कुछ और नहीं है धृतराष्ट्र युद्ध भूमि को बोल के देख के संजय उनको दिखा रहे बता रहे एक उन्होंने शब्द लोक बोला फिर दुर्योधन इस युद्ध भूमि को देख के कुछ लोग बोलेंगे फिर अर्जुन तो तीन लोग एक ही सिचुएशन को देख रहे धितराज एक तमोगुण तामसिक आदमी के रूप में मैं बताऊंगा क्यों ऐसा बोल रहा हूं दुर्योधन एक आदमी के रूप में और ऊपर से लास्ट आ गया अर्जुन आपके सात्विक आदमी के रूप में तो क्यों मैं ऐसा निष्कर्ष लेता हूं कि धितराज जी आपके तामसिक रूप में देखें बताता हूं उसका रीजन रीजन क्या है तीतराष्ट्र को आपको मालूम है पिछले जन्म का थोड़ा आपको महाभारत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है अंधा क्या होता है पिछले जन्म एक चिड़िया के आंख निकाल दी और उसके सौ बच्चे मार दिए किसके लिए आनंद के लिए <laughs> ऐसे कर्म करोगे तो भोगना तो पड़ेगा अगले जन्म में आंख नहीं दी <laughs> महाभारत इतना सुंदर है हर आदमी क्या कारण है उसका पूर्व उसका उल्लेख है ठीक है गुंजी हर्ष जी थोड़ा वेट करिए तो उसके बाद जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलता है कुछ हमारे कारण की वजह से कुछ चीज नहीं मिलती लेकिन जो चीज मिलती है उससे हमेशा खुश रहना चाहिए उसको पिताजी मिले वेदबास जी उसके असली पिता है उसको एक बीवी मिली गांधारी जैसी इतनी पतिव्रता बीवी कभी नहीं मिलेगी आपको अपनी आंखों को पट्टी लगा ली देख के मैं हस्बैंड की सेवा में उनके आगे नहीं रहना चाहती इतनी मतलब सेवक पत्नी भाई मिला विदुर जैसा जो हर दिन आके बहुत ही आदर के साथ उनको ज्ञान देता था मेरे भैया ऐसा ठीक नहीं है के आप इतना सपोर्ट नहीं करिए आपका पूरा नष्ट हो जाएगा सब कुछ ऐसा उसको काउंसिल मिला राज में रहने को मिला एक आंखें नहीं मिली लेकिन पूरी जिंदगी नहीं मिली अरे बाबा मोर को कुछ कर होंगे ऐसे जिंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता हम सब लोग अरब होना चाहते हैं सच बोले हाँ लेकिन हम तो नहीं है ना लेकिन जो जिस तरह भगवान ने दिया उसे संतुष्ट रही है। हाँ जितनी हमारी क्या कहते हैं कैपेसिटी है उससे ज्यादा भगवान हमको देते हैं जैसे आप माँ है सोचो घर में बेटा दो रोटी खाता है तीन रखते हो उसके लिए प्यार से ज्यादा रखते हो तो कभी भी ऐसे रो कम हो बढ़ना ये ध्रतराज का काम और इस चक्कर में उसने बेटे के सारे पापों को आंख बंद करके आंखें तो वैसे ही बंद थी जह, तो भीम बंद भीम जहर दिया दंड देना, था या उसको देना था। सब बंद बैठ रहा है बहुत गलत काम था ये तामसिक आदमी का काम है जब कृष्ण जी युद्ध के लिए आपको शांति दूत बन के गए थे उस समय भी उन्होंने बहुत आपके सब हैं प्रश्न भी रुकिए इसको समझाने तो दीजिए तो जब ये भूमि में युद्ध होने से पहले कृष्ण जी शांति प्रस्ताव लेके गए थे उन्होंने खाली बोला था 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 पांच गांव दे दो पांडव को रखो एक्चुअली वनवास के बाद पांडवों का हक दुर्योधन कुछ सेकंड पहले अर्जुन आया है मतलब ये अज्ञातवास से इसलिए विराट में युद्ध में कुछ सेकंड पहले आया जबकि भीष्म बोले थे नहीं ये कैलकुलेशन मेरा है पूरा टाइम हुआ नहीं नहीं कुछ सेकंड पहले आया बारह बार दोबारा जा वनवास में उसका ऐसा मतलब अः मतलब दानवी प्रकृति था और वो तब भी आंखें बंद करके शांति का अच्छा से आप देखिए असली महाभारत की बात करें ये सास बहुत सीरियल क्या नहीं उसको काउंसिल किया था गांधी ने भी बेटे को बोला था बेटा युद्ध में नहीं जाओ सुनता नहीं था उसमें जब उसने मूर्ख होके कृष्ण जी को दुर्योधन आपको मालूम है कुछ और मैं बेवकूफ दोस्तों को मिलकर कृष्ण को अरेस्ट करने की को कोशिश कर करे था। तो उसमें कृष्ण जी ने एक छोटा रूप जरूर दिखाया था दुर्योधन को तो मूर्ख है जो मूर्ख ही रहा ये कुछ जादूगी है जादू जादूगर और भीष्म ने उसमें भगवान से कृपा मांगी थी क्योंकि उन्होंने सब उसके सभा में बोल रहे थे भगवान रूप तो दिखा रहे तो मेरे को भी कृपा करो मैं तो अंधा हूँ तो कृष्ण जी ने उसको भी दर्शन दिया था तो थोड़ा ज्ञान था और भाग्य आया था जब कृष्ण जी वापस जा रहे थे शांति प्रस्ताव तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया जब वापस जा रहे थे भाग्य आया था बोला था कृष्ण जी मैं निर्णय नहीं ले पा मेरे को है आप क्या चाहते तो किष्ण... सुनो सब लोग सुनो हे है, है, है दर्दे, दर्दे, राजा है बोल रहा है निर्णय नहीं नि... किस चीज का राजा है फिर राजा हो और तुम निर्णय नहीं ले पा रहे तो बैठे क्यों उस जगह में तो भाई उठा हटाओ उस जगह से तुमको मालूम है क्या चीज गलत है तुम निर्णय नहीं ले सकते क्यों कारण क्या था ना, ना राजा नहीं बता <laughs> तुम आंधे हो थोड़ी राजा बनता है कैसे करोगे अपना काम समझने का तो जिंदगी में हर चीज नहीं मिलती है जो भगवान देते हैं उससे हमेशा खुश रहने का अगर असंतोष मन में होगा तो आप पाप कर्म के भागीदार बन जाओगे ये मैं बाकी और उल्लुख में भी समझाऊंगा तो धितज तो इस उल्लेख में इस तरह आपको समझ सकते हैं और एक और चीज है धितराज ने पूरा गीता सुना एक शब्द समझ लिया है ये भी देखिए विदुर जी जब गीता को समझा रहे थे बहुत अच्छा पेंटिंग हम खारी पेंटिंग खाली इसको की डालते हैं बाहर का पेंटिंग में देख के निकाल ये भक्तों के बनाए पेंटिंग है दिल से बनाई पेंटिंग है देख के ही हमको खुशी होता है विद उसका देखे संजय का हाल कितने प्रेम से उल्लेख कर रहा था गीता का और गीता सुनने के बाद अंत में बोलता है यत्र योगेश्वर है कृष्णा यत्र पार्थ धनु रहा तत्र शिव जीवभूति ध्रुवा नेत्र बहुत खुश हो जाता है बहुत ही खुश क्या क्या बोल दिया भगवान न खुशी हो गया धितराज जी गया हाँ एक चीज बताओ युद्ध गए आपके हाथ से कृष्ण जी है इधर तो भगवान खुद खड़े हैं तुम कैसे तुम्हारे बच्चे तो युद्ध हार गए खुश थे लेकिन बहुत ही खुश क्या क्या व्याख्या दिया आधे घंटे में क्या ज्ञान दिया खुश से वो बिल्कुल प्रफुल्लित हो रहा था अर्जुन कृष्ण के चरण में पड़ गया गीता सुन के कितने महान आचार्य जो हैं गीता को सुन के मधुआचार्य नामाचार्य शंकराचार्य क्या अध्य क्या भगवान के शब्द हैं देखिए धृतराष्ट्र ऐसे ही बैठे रहे कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो हमको भी मैं भी अपने को जब देखता हूँ एक धृत के रूप में देखता हूँ अपने दिल से एक चीज निकाल देना क्या किसी के लिए द्वेष अगर ये दिल में रहेगा तो गीता अंदर नहीं बैठ पाएगी जैसे अपने घर में आप भगवान को बुला रहे हैं तो थोड़ा सफाई तो करना पड़ेगा ना <laughs> नहीं तो भगवान नहीं आएंगे एक चेकलिस्ट है चेकलिस्ट आएगी पहले चेक करने के अब सबसे पहली चीज इसके दिल में भगवान के लिए भगवान के भक्तों के लिए अगर द्वेष है तो भगवान कभी नहीं आएंगे तो वो छोड़ो किसी के लिए भी दिल में द्वेष नहीं रखो सब के लिए एक इच्छा करो सब अच्छा सबका सर्वे सुख न भवन तू और अपने दिल में किसी के लिए बुरा नहीं सोचो जैसे धृतराष्ट्र जानता था कि पांडु के पुत्र उसके भाई के पुत्र बहुत महान है लेकिन उससे द्वेष करता था अपने बेटों से ही उसको पागलपन होकर प्रेम हो गया था बोलता था बहुत बारी मैं जानता हूँ क्या चीज़ ठीक है लेकिन दुर्योधन को देखता ना मेरा दिमन दिमाग पागल हो जाता है मैं उसके पीछे इतना स्नेह करना पापी व्यक्ति के लिए ठीक नहीं अपना पुत्र जाओ है तो पापी व्यक्ति तो उसको इतना स्नेह गलत हो गया था और उस उसके स्नेह के चक्कर में उसी के चीजों के पीछे सब कुछ और जो उसके बेटे से राज ले ले पांडु पांडु के पुत्रों से द्वेष करना ये बहुत गलत था तो मैं इतने आपके धतराष्ट्र का अध्ययन कर लिया अभी दूसरे आगे महाभारत में वर्णित धत्तराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है माना जाता है कि दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध में हुई जो वैदिक युग से पवित्र तीन साल रहा है अभी तक नहीं पहला है इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब लोग में स्वयं उपस्थित थे भगवान ने किया अभी आगे हमारे दूसरे व्यक्ति इनका हाल देखिए <laughs> चिंता से आप इनके चेहरे में क्या दिखती है मेरे को तो कार्य चिंता गुस्सा द्वेष सब दिखता है <laughs> इसको मैंने इसलिए राज क्यों बोला इसको अपने भोग के लिए कुछ भी करने को तैयार था आंखें तो देखो इसकी प्रेम दिख रहा है कृपा दिख रहा है मेरे को तो नहीं दिख रहा <laughs> ये कली पुरुष का अवतार है दुर्योधन का आप स्टडी करेंगे धित का कहते तो इसको आप अच्छा गुण देख ही नहीं सकते एक ही चीज थी जब अर्जुन गीता सुन रहा था इसने अस्त्र नहीं फेंका बस उसके अलावा तो मेरे को अच्छा कोई गुण नहीं देखता वेट <laughs> किया भी भी नारायण सुदर्शन सब बचा लेते जो भी किसी की हिम्मत थी नहीं तब भी संजय ने कहा तो इसका तो हालत क्या थी जब इसने युद्ध को देखा अरे महतीम चमोम इतनी बड़ी हो, आ गया और अपने जाके अपने गुरु को ही अपमान कर दिया अपने गुरु के पास ये शब्द कहे जिसके आप अपने देखो युद्ध शैली आपके बुद्धिमान शिष्य कौन है द्रुपद के पुत्र इस कौशल में व्यवस्थित किया है देखो भाई इतने आप मूर्ख हैं गुरु का अपमान करना युद्ध से पहले मैं क्या अर्जुन ने युद्ध के पहले क्या किया था एक उन्होंने बाढ़ फेंका था द्रोणाचार्य के चरण के पहले द्रोणाचार्य को अर्जुन आप भेट करिए प्रंजय जी थोड़ा मेरे को खत्म करने दीजिए साथ में डिस्कस करेंगे आराम से फिक्र नहीं करिए एक घंटा हम लोग प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे तो पहला अध्याय मेरे को थोड़ा कंप्लीट करने दीजिए तो अर्जुन ने हमेशा गुरु का आशीर्वाद लिया था और गुरु ने देख के एक उसके सिर को करता बेटे आशीर्वाद तू मेरे बेटे से ही मेरे को प्रिय है लेकिन युद्ध करेंगे ये मेरा करते हुए मैं करना करता हूँ देखिए कितना स्नेह था अपने बेटे अश्वत्थाम से भी ज्यादा उसको कृपा और ज्ञान दिया था उन्होंने ये एक है महान द्रोणाचार्य इस मूर्ख को देखो उनसे आशीर्वाद लेने पहले देखा भाई इतना बड़ा उसको इतना एक्सपेक्टेड नहीं था सोचा था हम सौ भाई हैं वो तो हैं पांच मेरे पास हैं भीष्मण और और कर्ण ये तो पांच मिनट में रौन दूंगा इनको और जब उन्होंने उनकी फॉर्मेशन देखी उसके बाद भयभीत हो गया और उसके बाद द्रोणाचार्य के बाद भाग के गया क्योंकि उसका भाग के जाना गलत था वो तो राजा है ना युद्ध में मेन तो दुर्योधन था उसको द्रोणाचार्य को बुलाना था कमांडर को नहीं खुद भाग के गया उनके कैंप के अंदर द्रोणाचार्य देखिए कितनी बड़ी मूर्खता आप कर दी है वो वेव को द्रोणाचार्य द्रुपद के बीच में कुछ गलत फैमिली हो गई थी इतनी ज्यादा हो गया था इतनी हालत बुरी हो गई थी तो द्रुपद ने यज्ञ किया एक बेटा मिले जो उसको मार दे ठीक है और बेटा का नाम था दृष्ट बेटा पैदा हुआ अब वो बेटा जब अः बड़ा होके द्रोणाचार्य के पास ही खुद आए मेरे को अस्त्र विद्या के ज्ञान देंगे आप द्रोणाचार्य को मालूम था ये मेरे मारने के लिए पैदा हुआ है उन्होंने सोचा है देखिए एक दिन मानना तो है ही मैं अपने कर्तव्य कर देता हूं चलो और उसको सिखा दिया आप इसके लिए बोल रहा है इतने बड़े मूर्ख हैं आप <laughs> आपने उसको बताया कैसा युद्ध की फॉर्मेशन बनाने की आपने बोला अलग अलग फॉर्मेशन चक्र व्य हो ये व्य हो ये व्य हो उसको आ, उसको आता था दृश्य धूमनों को वो उनका आर्मी का कमांडर था पूरा फॉर्मेशन अरेंज करके लाया था देखो कितनी बड़ी बेवकूफी करते हो आप गुरु को कैसे उच्च मतलब इंसल्ट कर रहा है एजिटेट कर रहा है तब कुरुवंश के वयो वयोवृद्ध परम्प्रिता आपके आपको सपिता में बोलते हैं सब लोग किसको भीष्म जी ने अपना शंख बजाया है बारहवें श्लोक में अब ये शंखनाद होता है दोनों जगह भीष्म जी और उसके बाद पूरे कौरव की आर्मी जो ग्यारह अक्षौनी की बहुत बड़ी है वो शंखनाद करती है दूसरी जगह अपोजिट स में कौन शंखनाद करते हैं पांडव पांडव खाली सात अंक अक्षवनी है लेकिन फर्क है जो कौरव लोग सब जोर का शंखनाद करते हैं पांडव पांडु के पुत्र शांति से सुनते हैं लेकिन जब पांडु के पुत्र शंकर नाथ करते तो क्या होता है कौरवों के पैर कांपने लगते हैं ये देखिए संजय का टेलीकास्ट आजकल आप कुछ लोग क्रिकेट देखते हो कभी किसी ने कमेंटेटर ने ऐसा बोला है क्या ये बैट्समैन के पैर कांप रहे हैं इतना नहीं देख पाता इतनी दृष्टि नहीं है लेकिन संजय का टेलीकास्ट देखिए बिना आपके टेलीविजन कैमरा के वेद की शक्ति से उसके दिव्य दृष्टि है वो ये भी देख रहा था कि दुर्योधन और उसके भाई जो है पैर कांप रहे हैं उनके जब पांडवों ने शंखनाद किया इसका कारण आचार्य बोलते हैं कि यह था कि दुर्योधन और पार्टी में अपने में विश्वास था आजकल बहुत लोग हैं कुछ जीवन में कुछ सफलता प्राप्त करते हैं बोलते हैं बिलीव इन यूवर्सल ये बेवकूफी है छोटे कीड़ो अपने में क्या बिलीव करोगे बिलीव इन गॉड भगवान में विश्वास रखो पांडव पुत्र भगवान में विश्वास करके बैठे थे इसलिए इतना बड़ा आर्मी देख के भी उनको डर बिल्कुल नहीं लगा कृष्णा है ना हमारे साथ और कौरव लोग अपने पे विश्वास करके बैठे थे इतने बड़े बड़े युद्ध इतना बड़ा आर्मी लेके आए भीष्म द्रोण जैसे जो लोग हैं जिनको कोई लड़ ही नहीं सकता उनसे उधर कोई नहीं था किसी के पास उनके मतलब अस्त्रों का तोड़ ही नहीं था इतने भयंकर योद्धा है उसके बावजूद पैर कांप रहे थे तो अपने पे विश्वास करोगे पूरी जिंदगी पैर ही कांपेंगे भगवान के विश्वास करोगे तभी शांति और खुशी प्राप्त करोगे तत्व श्वेत अब इससे है अर्जुन कृष्ण को विनती करते हैं कि मेरा जो है माधव मेरा जो है सेनयो उभयो मध्य मेरा ले जाओ रथ बीच में उस समय हनुमान में अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्दत हुआ हे राजन धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देकर अर्जुन ने कृष्ण से यह वचन कहे ऋषिकेशम तदा वाक्यम इधम आहम ही फतेह

मुकम्चा पहला अर्जुन, में आया, कृपा। में सो। अर्जुन पहले आंखों में आंसू गए ये स्थिति देख के डर के आंसू नहीं थे वो कृपा के आँस उसको मालूम था गांडी वह उठाया तो बहुत लोग मरेंगे इसकी स्थिति की जरूरत क्या है हम लोगों को राजा बनाने के लिए मेरे को राज्य नहीं चाहिए कृष्ण जी तो पहली जी अरुण अर्जुन के दिल में कृपा है हे कृष्ण युद्ध में अपने स्वजनों का वध करने से तो मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखती और ना मैं उनसे किसी प्रकार से विजय राजस्ख की इच्छा करता हूँ दूसरा कारण उसको कोई फल नहीं दिख रहा था फायदा नहीं दिख रहा था पहले कंपैशन युद्ध करने का मन नहीं था दूसरा फायदा क्या इससे अपनी भाई को मार के राज्य मेरे को नहीं चाहिए हे hey गोविंद मैं राज सुखता इस जीवन का क्या लाभ है क्योंकि ये सारे लोग जो है मैं उन्हें चाहते हैं कि वो युद्ध में खड़े हैं हे hey मधुसूदन जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण मधुसूद मामा ससुर ये सब लोग संबंधी अपना धन प्राण देने के लिए तत्पर मेरे तो मैं इस संबंधी को क्यों मानना चाहूंगा भले मुझे क्यों ना मार डाले उसको युद्ध करने की इच्छा नहीं रह रही है कुल का नाश होने पर एक और कारण ये कुल का नाश होने से क्या होगा सब लोग वर्ण शंकर हो जाएंगे बच्चों का घर में परवरिश कैसे होगा पिताजी का भी योगदान होता है बच्चे का परवरिश वो ना रहे एक तो माँ असुरक्षित हो जाएगी और दूसरा बच्चे की परवरिश कैसे होगी मेरे को तो पूरा बहुत बहुत ही ठीक थी। है अवांछित संतानें उत्पन्न हो जाएंगी इस दुनिया में आवांछित संतानों की विद्य से ये नरश नर वर्ण शंकर पैदा होंगे संजय ए व अर्जुना संख्य रथोपउ संशरम चापम शोक संविघ्न मानसहा अर्जुन युद्ध में इस प्रकार कि अर्जुन अपना धनुष बाण एक और रख दिया और शोक संपक्षित से रथ के आसन में बैठ गए अर्जुन का हाल ठीक है हरे कृष्णा एक्चुअली बहुत और चीजें बोलना चाहते थे करीब करीब टाइम हो रहा है हरे कृष्णा करी कई मैं कृष्ण प्रभु जी करूँ तो पांच कारण थे जो अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता है मैं उसको एक बारी सारांश कर देता हूँ पहला चीज कृपा के अनुसार डर के अनुसार नहीं आंसू आ गए तो उसके आँख में दूसरा चीज उसको लग रहा था कि पाप हो जाएगा अपने ही भाई बहनों को मारना पाप है तीसरा चीज उसको इसमें फायदा नहीं दिख रहा था फायदा क्या है चौथा चीज उसको लग रहा था कि बच्चों का क्या होगा चलो भाई राजा बन के हम जो जिनके फैमिली के लोग मरे हैं कुछ कॉम्पनसेशन दे सकते हैं लेकिन परवरिश खराब हो जाएगी उनके संस्कार का क्या होगा कौन उनको सिखाएगा अब पांचवा चीज़ इतने और कारण की वजह से उसको इनडिसिजन हो रहा था युद्ध करूँ ना करूँ ये पांचों जो कारण अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता है इसका उत्तर कृष्ण जी दूसरे अध्याय में देंगे और दूसरे अध्याय में गीता पूर्ण हो जाती है तो कल हम देखेंगे पांचों का उत्तर क्या है बहुत लोग मेरे को बोलते हैं गीता में मतलब ये है तो मैं कभी कभी मजाक किया मैंने गीता पढ़ी के नहीं, <laughs> नहीं क्या तो हो गया बिना पढ़े किताब का आपको मालूम है किताब में क्या ये तो गलत है ना तो मैंने फिर उसको बोलता हूँ ये पांच अगर प्रश्न का उत्तर दे दोगे ना तो ठीक है मैं गीता आपको पढ़ने की जरूरत नहीं नहीं दे पाता कोई नहीं पढ़ सकता इसलिए आपको गीता पढ़ने का जरूरी गीता में ऐसा ज्ञान है जो आपको कोई ऐसी पृथ्वी में किताब नहीं है जिसमें ज्ञान है इतना महत्वपूर्ण है इसमें किस कि, कि, किसी भी किताब में जो भी ज्ञान है किसी धार्मिक किताब में सब गीता के अंदर है और ऐसी चीज गीता में है जो कहीं पे नहीं है आत्मा का ज्ञान कहीं पे नहीं है शरीर और आत्मा में फर्क क्या है ये ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा किसी भी ग्रंथ किसी भी फिलोसफी दुनिया में दूसरा चीज परमात्मा का ज्ञान भगव भगवत धाम के वैकुंठ नाथ कृष्ण का ज्ञान कहीं नहीं है तो भगवान के तीन एस्पेक्ट होते हैं हम धीरे धीरे समझाएंगे गीता में तो इतनी चीजें हैं योग कर्म कहा मिलता है आपको दुनिया भर में किसी किताब में नहीं मिलेगा तो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है बहुत चीज सीखने को मिलेंगे गीता में और ये आपको किसी और किताब में नहीं मिल सकती इसलिए हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं आज ठीक है अभी हम वापस आ गए हैं ठीक आ... है आप प्रश्न अपना चैट बॉक्स में डाल सकते हैं अभी प्रभु क्वेश्चन से आंसर सेशन स्टार्ट करें हाँ श्री राठौर जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को हरे कृष्ण आज तो एक्चुअली गीता का ज्ञान शुरू नहीं हुआ है खाली युद्ध स्थली की एक स्थिति को समझने का कोशिश किया है बस कल से ज्ञान शुरू होगा गीता का कृष्ण जी एक बहुत अच्छे टीचर के रूप में मेरे को दिखते हैं मैं तो बीस साल से पढ़ा रहा हूँ कॉलेज में फिलोसफी का नाम है वैल्यूज के नाम है गीता का कोर्स बनाया सब कॉलेज है। कुछ है। में कुछ किताबें भी लिखी है मेरे को कृष्ण जी एक बहुत अच्छे टीचर दिखते हैं क्यों कारण पहला कारण पूरे चैप्टर में पहले चैप्टर में अब देखिए कृष्ण जी एक परफेक्ट टीचर सबसे पहला गुण टीचर का जब शिष्य कुछ बोल रहा होता है शांति से सुनने का कृष्ण जी पूरा पहला चैप्टर में एक शब्द नहीं बोलते अच्छा गए देखिए ना अर्जुन दूसरा चीज जब अर्जुन कृष्ण की शरणागति लेता है उसके बाद उसको ध्यान देता है वो भी टीचर को होना चाहिए टीचर का विवाद में नहीं देता है जब प्रॉपर क्या कहते हैं तरीके से कोई ज्ञान के लिए आता तब टीचर को बोलना चाहिए कृष्ण जी कभी गुस्सा नहीं होते जबकि अर्जुन देखिए युद्ध में मेन आदमी बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा आप तो बहुत बौखरा जाते ना अरे पहले बोलना था अभी बोल रहा है युद्ध होने से पहले अब मेरा पूरा अरेंजमेंट क्या करूंगा है? तेरे को मेन कमांडर है और कैसा बोलेगा मैं नहीं करूंगा कभी गुस्सा नहीं करते मुस्कुराते पूरे गीता के ज्ञान में कृष्ण जी अर्जुन को एनकरेज करते रहते हैं और सच ऐसा नहीं है कि प्लाटर कर रहे। क्या परंतपा भारता कौन या एक एक शब्द से उसको एनकरेज करते रहते हैं अर्जुन तू तो दैविक प्रकृति का आदमी है हमें सच बोल रहे हैं उसको कोई ऐसा कोई गलत चीज बोल के उसको नहीं और अंत में गीता होने के बाद कृष्ण जी अर्जुन को क्या बोलते हैं या करो जो करना है तू कर मैं तेरे को फोर्स नहीं ये अच्छे टीचर का ज्ञान है और अर्जुन खुद सुन के क्या बोलता है करिश्चय वचन कृष्ण जी आप जो बोल बोले ना उसको पालन करो लेकिन ये आ, इस डिस्कशन में बहुत कंटिन्यूअस अर्जुन प्रश्न पूछता रहता है एक एक शब्द को ध्यान से सुन रहा है ठीक है हरे कृष्ण जी ठीक है प्रयत्न करते हैं आपके प्रश्न का उत्तर करने का हरे कृष्ण जी शिविर राठौर जी आप कर सकते अपने आपको हरे कृष्णा शिविर राठौर जी ये परमिशन है कि अनम्यूट का नहीं है जी 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 हाँ है। okay, आ, आप आप दिए ना ठीक है हाँ। बोलिए शिव जी लिंक का प्रॉब्लम अब उनका प्रॉब्लम है उनका हाँ लिंक का प्रॉब्लम आ रहा है कभी कभी ना नेटवर्क में प्रॉब्लम हरे कृष्णा हरे कृष्णा निजी उपाध्याय जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आपको विद्या माता जी

एक तो चीज है ये तो कृष्ण जी की इच्छा है इसको चुने हमको तो वो तो, वो तो भगवान है तो जो चाहे कर सकते हैं लेकिन भगवान हर चीज को मैं हजार रीजन होते हैं एक, एक चीज अभी उन्होंने अर्जुन को चुना अब उसके लिए रीजन देखिए बहुत लोग आजकल ये बोल सकते थे कि मैं तो गृहस्थ हूँ ये तो अगर वो वेद को दे सकते वेद व्यास जी को दे सकते थे ना ये ज्ञान है ना उनको ऐसा तो रोक नहीं सकता था ना वो तो बहुत बड़े विद्वान थे उनको क्यों नहीं दिया अर्जुन को क्यों दिया उसका कारण क्या है कारण क्या है तो अगर वो वेदव्यास जी को ज्ञान देते तो गीता क्या तो लोग बोलते तो ये तो सन्यासी लोगों ये तो संतो लोगों के लिए <laughs> अर्जुन तो एक क्षत्रिय था अपना बीवी बच्चों वाला आदमी तो हमको लगता है क्या हम लोग भी सुन सकते हैं दूसरी चीज कब बोला ज्ञान युद्ध के पहले बहुत लोग बोलते टाइम नहीं टाइम नहीं है युद्ध के पहले अगर कोई टाइम निकाल सकता है सब बाढ़ लेके रेडी एक सेकंड तो मतलब कभी भी गीता सुनी जा सकती है ठीक है तो एक ग्रस्त आदमी लिया ज्ञान और कब दिया ज्ञान युद्ध के पहले तब की उसी समय भ्रमित कर सकते पहले भी भ्रमित कर सकते थे ना घर में बैठे भी भ्रमित कर, भ्रमित कर सकते थे उसी समय भ्रमित किया उसको ताकि लोगों को पता चले ऐसी स्थिति में भी ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए इतना इतना महत्वपूर्ण ज्ञान अर्जुन कृष्ण का महान भक्त था इसलिए कृष्ण जी खुद बोलते हैं उसमें भक्तों से में सखा ची थी महान भक्त के वजह से कृष्ण जी ने उसको चुना है ठीक है तो वो महत्वपूर्ण काम तो तीसरा तीस क्योंकि कृष्ण के महान भक्त थे इसलिए कृष्ण जी खुद बोलते हैं ये तो ज्ञान में परंपरा में सूर्य देवी को पहले दिया था लेकिन अभी लुप्त तो हो गया है लेकिन आपसे शुरू करूंगा तो खुद कृष्णा ने उसको सेलेक्ट किया बिकॉज वो हो सकता है एक सन्यासी नहीं है हो सकता है कि एक सांसारिक आदमी है लेकिन एक महान भक्त है जो सबसे बहुत बड़ा गुड़ है इसलिए कृष्ण ने उसको सेलेक्ट किया हरे कृष्णा अनुश्री माता जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को आप ये प्रकाश जी डिजिटली लगा दीजिए सिग्नल हाँ आप हाथ से कह रहे हैं डिजिटली डाल दीजिए उसमें क्योंकि ये मैं तो आ, क्या अनुश्री माता जी ठीक है गुण माता जी गुण जी आप पूछना चाहेंगे कुछ कर सकते हैं अपने आप कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण आज क्या प्रॉब्लम है आज भी बॉम्बे में जगह जगह में थोड़ा कनेक्शन क्यू कहा प्रश्न आपका माता जी कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया है पहले से बात है अभी से नहीं। कुरुक्षेत्र धर्म आचरण धर्म आचरित कुरुक्षेत्र का बहुत हिस्ट्री है माता जी अभी से नहीं है बहुत पहले से धर्म क्षेत्र है पुण्य स्थल था जैसे होता है ना तीर्थ स्थल ये वैसे ही तीर्थ स्थल देवता लोग भी इस जगह आते हैं कुरुक्षेत्र में तीर्थ स्थल के रूप में परुशुराम जी इधर बहुत लोग इधर तपस्थित है स्थल क्यों बनता है जहां पे लोग भगवान या उनके महान भक्त को चमीला करते हैं तो परशुराम इधर आए थे बहुत लोग इधर आए इसलिए तीर्थ स्थल था पहले से ठीक है तो वेद में लिखा है कुरुक्षेत्र धर्म आचरित कुरुक्षेत्र में धर्म कर, धर्म करना चाहिए तो ये लिखित हरे कृष्ण बोलिए और तो आपका प्रश्न है कि कुरुक्षेत्र ने क्यों युद्ध किया कि पहले युद्ध भी धर्म के अनुसार होता था आजकल की तरह नहीं आजकल युद्ध में क्या होता है रात में जाके रात में बच्चों के ऊपर बम फेंकते हैं आजकल का युद्ध ये है जैसे वो अमेरिका ने फेंका था ना रात में जाके फेंक दो कहीं ये सिटी में पहले युद्ध में देखिए एक भी स्त्री नहीं था एक भी बच्चा नहीं था एक भी बुढा नहीं था सब ये क्षत्रिय लोग आए थे कोई ब्राह्मण नहीं कोई वैश्य नहीं बाकी किसी को आने की जरूरत नहीं है और नियम के अनुसार सूर्योदय के बाद सूर्यास्त के पहले युद्ध ये युद्ध भी वो लोग सोचो क्या संस्कृति थी मेरे को कोई बोलते हैं पांच हजार साल पहले संस्कृति डेवलप नहीं हुई थी खाली बंदर थे बंदर थे हा? उनका लैंग्वेज संस्कृति समझने में लोग नहीं वो संभव कर पा रहे उनका लैंग्वेज देखो आप वो आप उनका ज्ञान देखो आधे घंटे में गीता तो समझ गया बंदर था वो <laughs> तुम वो बंदर तुम उसके पांच पहुंच भी नहीं सकते इतने इतने डेवलप लोग थे क्या गुण थे देखिए महाभारत आप देखते हैं लोगों का गुण देख के चकित हो जाते हैं आदमी द्रोणाचार्य के गुण देखो भीष्म के गुण देखो आदमी कितना कैरेक्टर गांधी का गुण देखो एक एक को देख के मतलब कितने मतलब खुशी होता है ऐसे कैरेक्टर है और उनको बंदर थे बंदर है <laughs> बंदर आप है। वेद व्यास हरे कृष्ण हरे कृष्ण अच्छा अर्जुन विषाद योग बोला है Yes. योग, हाँ। <laughs> उसमे का शरण ले लिया ना वैसे तो विषाद में आदमी रो सकता था धितराज की तरफ क्या हो गया लेकिन उसमें भी उसने कृष्ण के चरण पकड़ लिए तो वो भगवान से कनेक्शन वो भी योग बन गया योग मतलब एक्चुअली जैसे हिंदी आप भाषी हैं संयोग से आज से आप प्रकाश जी से मेरी मुलाकात हो गई योग मतलब एडिशन प्रकाश जी के में मैं रो रहा हूं मतलब योग मतलब एडिशन, किसको ऐड कर रहे हैं हैं भगवान भगवान को कर रहे हैं। उसने इस भगवान के योग नहीं होता योग ही रह जाता। थोड़ा सीमित ज्ञान है ऐसा नहीं है कि मैं हर प्रश्न का डीप आंसर कर सकता हूं मैं भी इसको और अध्ययन करूंगा इस, इसका ये महान लोगों ने इसका चैप्टर का नाम ऐसे दिया प्रश्न अच्छा है मैं थोड़ा और अध्ययन करूंगा इसको हरे कृष्णा हरे कृष्णा स्वाति वशिष्ठ माता जी आ, हरे कृष्णा प्रभु जी हाँ बोले माता जी आ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र की भूमि ही युद्ध के लिए क्यों चुनी पूरी पृथ्वी उनकी थी वो कहीं भी चाहते तो हो सकता था युद्ध सिर्फ हरियाणा और उसमें भी कुरुक्षेत्र की <laughs> के हैं क्या <laughs> नहीं देखिये क्योंकि धर्म युद्ध था इसमें धर्म क्षेत्र गया इसमें अन्याय कृष्ण जी को अन्याय देता जब पांच गांव मांगे और उतने में भी मना कर दिया अपने उनके प्रिय भक्तों के लिए क्या मांगा उन्होंने वो उनको खाने का कुछ चाहिए ना वो तो क्षत्रिय है पांच गांव में अगर वो अपना राज्य करेंगे तो उनको तो टैक्स मिलेगा थोड़ा है ना हर आदमी को अपने जो सीखा है उसको ही वो दिखा सकता है ना उसका देखिए सोए तो कुछ नहीं होता तो अपना जो उन्होंने सीखा है उसको वो प्रदर्शन करेंगे उसमें लोगों को सुरक्षा देंगे तो लोग उनको थोड़ा टैक्स देंगे उससे वो जी सकते हैं पांच गांव देने से भी उनको वंचित कर दिया तो भगवान को लगे तो अन्याय अब तो इनको मैं दंड दूंगा इनको लाओ युद्ध में इनको

और आप बताइए आपको भारत भूमि आप पैदाइश है आपको शायद मेरे से ज़्यादा इसके बारे मालूम होगा मैं इसको नहीं, नहीं नहीं मैं एक्चुअली इसलिए पूछना चाह रही हूँ कि क्योंकि गीता का और बड़ा आपको सब इसकी नॉलेज है तो कभी कोई स्पेसिफिक कृष्ण जी ने कहीं पे मतलब इस चीज का एक्सप्लेन किया हो माता जी ये तो हम आपको पता करके बता देंगे आप नोट कर लीजिए एडमिन okay. ये कुरुक्षेत्र में लोगों को okay. बहुत इंटरेस्ट है <laughs> मैं सोचा कुरुक्षेत्र तो सुनने की और इच्छा है मन में थोड़ा बता दो कुरुक्षेत्र मैं तो बोला इतना मैं सुना है माता जी वेद में लिखा है कुरुक्षेत्र धर्म आचरित ये लिखा है ठीक है धर्म का काम और देवता लोग भी इधर अपने धर्म के काम के लिए आते हैं इतना बड़ा तीर्थ स्थल है तो ये तो एक सरप्राइज का चीज है कि ये कुरुक्षेत्र में ये लोग इकट्ठे हुए हैं धर्म क्षेत्र में क्योंकि धर्म युद्ध था है ना और धर्म के अनुसार युद्ध किया गया जब तक बाद में गड़बड़ शुरू हुई तो दूसरी चीज है लेकिन नियम के अनुसार युद्ध हुआ था करेक्ट सूर्यास्त सूर्यास, सूर्यास के बाद दोस्तों की तरह मिलते थे लोग है ना आजकल तो सोच भी नहीं सकते ऐसा <laughs> हरे कृष्ण थोड़ा मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि आपका ये जो क्विज है ये टीचेबल में होगा हरीश जी आप समझाएंगे आपने देखा है क्या वीडियोस को आ, नहीं नहीं मैंने देखा है मैं, मैं दिखा देता हूँ देखिए जो ग्रुप के आपके एडमिन है यहाँ पे शिवानी जी है हरीश जी हैं दो और वो एक्चुअली आपके आ, हर ग्रुप में एक एडमिन बना हुआ है अब उन्होंने ऑलरेडी अपने आप को इंट्रोड्यूस किया नहीं तो मैं बोलूंगा कैरेंट आपका कोई भी प्रश्न होगा अभी इसके बाद हम आपका क्विज को भी ऑन कर देंगे तो उधर आपको जाके आप अपने प्रश्नों का हल करेंगे अट्ठारह चैप्टर के हमने हर चैप्टर में दस दस प्रश्न बनाए गए जो समझाए इससे क्या होता है थोड़ा आदमी सीरियसली रहता है थोड़ा उसको आनंद रहता है प्रश्न बहुत सिंपल है लेकिन अगर आप चैप्टर का भी अध्ययन करेंगे तो और आसान रहेगा ठीक है ये चीज है क्योंकि क्या है ना कोई भी स्टडी में एग्जाम होना चाहिए एग्जाम ऐसा नहीं है कि, कि किसी को तंग करने के लिए होता है उसको अच्छा स्टूडेंट एग्जाम को लाइक करता है बुरा स्टूडेंट एग्जाम को हेट करता है ठीक <laughs> है मैं जरा आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ कैसा टीचेबल आपका जो एग्जाम का जो सिस्टमेयर है वर्ल्ड का नंबर वन सॉफ्टवेयर है टीचेबल उसमें रखा है आप उसमें लॉग इन करना कैसे करना मैं आपको समझा रहा हूँ ठीक है तब भी आपको हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपके ग्रुप के एडमिन आपको समझाते रहेंगे आप ये देख लीजिए यह सॉफ्टवेयर मैं इसमें आपको हिंदी में समझाता हूँ इधर आपको लिंक को क्लिक करेंगे तो इधर आपको एनरोल करना होगा पहला चीज ठीक है पहला जैसे लिंक होगा इधर आएगा एनरोल आपको हिंदी वाला आएगा आप एनरोल करना उसके बाद अपना नाम लिखना अपना ईमेल आईडी आपको देना होगा और आप अपना ईमेल का पासवर्ड नहीं डालना एक कहीं भी जब आप लॉग इन करते हैं ना रजिस्टर करते हैं एक नया पासवर्ड छोटा सा बना देना कोई ऐसा चीज़ नहीं है इसमें कुछ गुप्त चीज़ है एक छोटा पासवर्ड बनाना दोनों से आपको सेम पासवर्ड डालना होगा ठीक है मैं विस्तार से बता रहा हूँ बिकॉज आगे कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है ठीक है दोनों कुछ अपना नया पासवर्ड डाल लीजिए ये देखिए ये हमने नहीं बनाया इन ग्रुप के एडमिन ने मिलकर बनाया ताकि आपको मुश्किल ना हो कोई सब चीज़ एग्री कर लीजिए इधर क्योंकि हम आपको मेल भेजते रहेंगे कोर्स के बारे में उधर से टीचरबल से भी ठीक है एक्चुअली बहुत महंगा सॉफ्टवेयर है आपको ये उपलब्ध किया हमने और इसमें क्या होगा ये देखिए पूरे अठारह सब रेडी है और अंत में एक फाइनल है है तो आप हमारे इंस्ट्रक्टर आपके इंस्ट्रक्टर आपके मेरा नाम नामिष्ट दास ठीक है नाम कुछ नहीं मैंने एक लाइन लिखा है मैं बहुत खुश हूँ महान आचार्य प्रभुपत जी का सेवा कर सकता हूँ उसके बाद आप कोर्स का करिकुलम में फिर क्लिक करिए आपके चैप्टर है पहले चैप्टर में आप स्टार्ट बटन दबाइए ठीक है एक बारी इसमें क्योंकि फंस जाते हैं छोटी सी चीजों में ये वीडियो भी आपके ग्रुप में डाल देंगे इसको देख लेना एक तो सारी क्विज आपकी ओपन बुक है हिंदी में लिखा रहेगा आप लोगों के लिए ओपन बुक की है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किताबें खोल के पढ़ एग्जाम दे सकते हैं अगर आप ऐसा हुआ कि साठ परसेंट से कम आएगा मार्क्स तो आपको दोबारा करना पड़ेगा पांच अटेम्प मिलेंगे आपको पांच अटेम्प में भी नहीं हो तो फिर मेरे को आपको लिखना पड़ेगा मैं आपको दोबारा खोल सकता हूँ ठीक है लेकिन कोशिश करें पांच अटेम ज्यादा ना पड़े क्योंकि तो जब आप गलती करते हैं तो आ जाता है क्या गलती है फिर आप खुद में आइए ठीक है नीचे आपको ये पुस्तक है हिंदी में भी ये पुस्तक उपलब्ध है आप ऑर्डर कर सकते हैं ये पूरा आपको पीडीएफ है पूरा घी हिंदी में आपके लिए पूरा ये सारांश रहेगा और सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं ये आप ये क्लास के नोट्स हैं आप इधर से डाउनलोड कर सकते हैं जो पीपीटी दिखा रहा था ना कुछ लोगों का मन होगा किसी को दिखाने का आपके लिए अवेलेबल है कोई भी चीज आपके लिए अवेलेबल आप इधर से डाउनलोड कर लेना और हो सकता है मंदिर का सेवा करना चाहते हैं वो भी आपके लिए तरह तरह से सेवा उपलब्ध है नीचे आपका गीता का ये गीता महात्म्य हमने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है और इसकोन का हिस्ट्री भी इसमें है और हरे कृष्ण मंत्र क्यों जब करते हैं इसका क्या फायदा ये भी इसमें लिखा हुआ है ठीक है ये आपको टीचर सब लिखेगा और ये वेरी रिकॉर्डिंग है रिकॉर्डिंग भी आपको वहां पे मिल जाएंगे दूसरा चीज़ है ठीक है आप डाउनलोड कर सकते हो किसी भी चीज़ को इधर से डाउनलोड कर सकते हो अपने कमेंट भी यहाँ पे छोड़ सकते हो भाई इसमें हमको इधर प्रॉब्लम हुआ था ये चीज़ मेरे को अच्छा लगा कोर्स अच्छा है बुरा है खुद छोड़िए इनपुट देने से हमको फ़ायदा रहता है ऊपर से फिर आपको क्विज़ करने में आपको हाँ ठीक है आप ऊपर जाएंगे तो सारे कमेंट्स हमको आ जाते हैं मेल पे तो हम देख सकते हैं ठीक है ऊपर से आप अगर शुरू करेंगे ऐसे करके क्विज़ को शुरू करिए और कुछ में आपके प्रश्न है मैं आपको अभी उसको क्लैरिटी हटा रहा हूँ कि आंसर नहीं दिखाना चाहता सिंपल आंसर है पहले गीता में सबसे पहले बोलने वाले व्यक्ति कौन थे ऐसे करके आपके दस प्रश्न है पहले चैप्टर के अच्छा लगेगा आपको करने में और ऐसे आगे अठारह अध्याय करने में ही आपको सर्टिफिकेट देते हैं क्योंकि कुछ नहीं एम सी क्यूँ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपको उनमें से एक क्लिक करना है बस ठीक है ऐसे आप आंसर करेंगे और जब आपके सारे ये क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के लिए ऊपर क्लिक करने का इधर एक गलती सब लोग करते हैं ठीक है कभी कभी गलती हो जाती है ठीक है इसमें नाइन बाय टेन आया जो भी आया उसके बाद ऊपर कंप्लीट एंड कंटिन्यू में क्लिक करना नेक्स्ट चैप्टर में डायरेक्टली नहीं क्लिक करना ठीक है इधर ऊपर जाके कंप्लीट एंड कंटिन्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें सब लोग गलती कर रहे हैं फिर आपका दूसरा चैप्टर आ जाएगा उसके भी आप प्रश्न दे सकते हैं वो हम कल खोलेंगे एक एक करके ही खोलेंगे आपको ऐसा नहीं है कि काज ही करना है आज टाइम नहीं है तो कल परसों लेकिन देखते रहिए कि अभी आज गीता सुना तो आपको याद है ना इमीडिएटली कर सकते हैं ठीक है सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपके जो है सब दिया हुआ है इसमें ठीक है और ऊपर से सेकेंड चैप्टर इस तरह आपका दूसरा चैप्टर है पहला चैप्टर है ये आपको सेविंग इसी तरह हर चैप्टर में सारे वीडियोस दिए हुए हैं एक और चीज़ आपको फ़ायदा है कि मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ उसकी वजह से तो बहुत सारे साइंस स्पिरिचुअलिटी माइंड कंट्रोल टेक्निक्स आहम शरीनी आत्मा क्या मैंने तरह तरह के प्रेजेंटेशन है कल से मैं क्लास के बाद आधा घंटा वो भी लूंगा जिसको मन होगा ज्वाइन कर आप जैसे क्लास शुरू हुआ तीन बजे तो चार बजे हम आधा घंटा आपको समझाऊंगा कुछ गीता से डिराइव चीजें जो जनरली हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं आपको भी बहुतों को अच्छा लगता हो ठीक है इस तरह आपके सारे ये प्रश्न हो जाते हैं हरे कृष्णा और कंप्लीट एंड कंटिन्यू याद रखना ये गलती सब लोग कर रहे हैं बाकी चीज इंटिव है चैप्टर होने के बाद ये ऊपर कंप्लीट एंड कंटिन्यू इधर क्लिक नहीं करना ये एक गलती सबसे हो जाती है फस जाता है थी। ठीक है हरे कृष्णा हरे कृष्ण जी तो और कोई प्रश्न है चले सवा चार तो बज गए परंजय बोलिए परंजय जी कृष्ण जी थे उन, उनको उनको मारने वाला जो पार्टी था उसका नाम जरा था उसने कृष्ण जी, जी के पैर में बांध मारा था हुँ. तो सिर्फ भगवान के पैर में बांध मारने से भगवान म, मर गए युद्ध में भगवान पर इतने सारे हमले हुए थे फिर भी वो नहीं मरे परंतु वो सिर्फ एक छोटे से बांध उसके पैर पर लगने से वो बहुत अच्छा। आपका नाम क्या है खुशी है यंग लोगों को देख के तो मेरे को बहुत खुशी होता है मैं युवा लोगों को ही पढ़ाता हूँ कॉलेज में देखिए पहली चीज ये आपको जो ज्ञान का स्रोत है ये टीवी का सीरियल है <laughs> भागवत में इसी का उल्लेख दिया है जो बाण था उनके पैर को छुआ भी नहीं था पैर के पास से गया था उसमें कृष्ण जी नारायण का रूप लेके बैठे हुए थे जो आपका ये श्लोक बहुत प्रश्न इतना सुंदर क्यों है कि युद्ध भूमि में भीष्म जैसे मैंने बड़े बड़े बाण कृष्ण पे मारे थे एक्चुअली ठीक है और कृष्ण जी को कुछ नहीं हुआ और एक छोटे पैर के घाव से मर जाएंगे कोई मरता भी नहीं वैसे ये एक्चुअली गलत उल्लेख आया है समाज में टीवी के थ्रू भगवान जी को कोई मार नहीं सकता ना ही उनको कोई जीवन दे सकता भगवान का जन्म कैसे हुआ था पहले वो देवी के पहले वसुदेव के दिल में आए थे फिर देवी की के दिल में आए थे फिर बाहर शंकर चक्र गदापद के रूप में खड़े हो गए थे है ना ऐसा उनका भागवत तो पड़ी उनका जन्म ऐसा हुआ है हर दिन भागवत की कथा होती है सुबह आठ बजे आप जरूर आइए सेम लिंक है थोड़ा मेरी सिंपल इंग्लिश देखो मैं भी हिंदी भाषी हूँ इंग्लिश में बाद में सीखा था थोड़ा सा मेरी इंग्लिश बहुत सिंपल है आपको समझ आ सकती है रात को हम कृष्ण लीला पढ़ते हैं तो आप ये दोनों को पढ़ेंगे तो ये छोटे छोटे डाउट आपके निकल जाएंगे हम भागवत से खुद पढ़ रहे हैं कृष्ण का उल्लेख भागवत में आता है तो भागवत ने समझाया तो बाढ़ तो उनके पैर को लगा भी नहीं था पैर के पास से गया था पहला चीज दूसरा चीज भगवान खुद वैकुंड गए थे उनको कोई मार मार नहीं सकता ना ही उनको कोई श्राप दे सकता है कुछ लोग सोचते हैं गांधारी उनको श्राप दे दिया अरे भगवान को कौन वरदान देगा कौन श्राप देगा वो तो सृष्टि के निर्माता है मूर्ख ठीक है ये टीवी सीरियल के लोग इस ज्ञान को हमारे भौतिक स्तर पर खींच के ऐसा सोचते हैं लेकिन आपका प्रश्न बहुत सुंदर है क्यों सुंदर लगा पता नहीं मेरे को तो अभी दिख नहीं रहे सुंदर क्यों मेरे को लगा क्योंकि ये बिल्कुल करेक्ट प्रश्न है जिस आदमी को युद्ध में बड़े बड़े बाण छू नहीं पाए या छुए भी तो उनको कुछ नहीं हुआ एक्चुअली भगवान का जो रूप है ना अलौकिक है ये गलती आप कर रहे हैं अब ऐसा कोई जन्म लेता है क्या पहले दिल में आए वसुदेव जी के फिर देविकी के दिल में गए फिर बाहर खड़े हो गए ऐसे तो जन्म नहीं लेते और जन्म के साथ शंख चक्र गदा पद्म के साथ मुस्कुराते हुए हम तो सब रोते हुए पैदा होते हैं उस पर पूरे बाल और आभूषण <laughs> और वही व्यक्ति जो पहाड़ को उठाए एक उंगली से अगर उनका शरीर भौतिक होता भाई हम तो थोड़ा मैकेनिक इंजीनियरिंग स्टडी किया था कॉलेज में तो उंगली तो टूट जाना चाहिए था <laughs> हमारे ये वेट लिफ्टर है 200 300 किलो उठाते हैं ऐसे ऐसे खाद काम था उनका <laughs> और दो सेकंड तीन सेकंड जब तक जज बलो हो गया फेंक देते आगे इधर तो पहाड़ सात दिन के लिए और इतने मुस्कुरा मुस्करा बीच में बांसुरी बजा देते थे उनकी बात कर उनका शरीर लौकिक नहीं है अलौकिक शरीर है उनको क्या बाढ़ छू सकता है समझ रहे ना जब भीष्म के बड़े बड़े बाढ़ नहीं छू पाए बड़े बड़े बहुत लोगों ने बाढ़ फेंके उनको क्या उनका शरीर भौतिक नहीं है अलौकिक है अपनी माँ को उन्होंने दो बारी विश्व रूप का दर्शन दिया था बचपन में बचपन में एक बारी माँ दूध दे रही थी इसी खोला देखने के लिए विश्वरूप दिखा दिया दूसरी बारी आप माटी है मैया मोरी ना ही माटी खाए माँ ने बोलो मिट्टी खाया नहीं मुंह दिखाओ देखो फिर <laughs> फिर से तो जब जो अपनी माँ को मुंह में विश्वरूप दिखा सकता है जो बाकी टाइम भी इतनी अलौकिक चीजें किया है पहाड़ उठाना और तरह तरह की चीज उसको क्या एक बार देगा नहीं कृष्ण जी इस दुनिया में अपने एक प्लान के साथ आते हैं और जब प्लान उनका पूरा हो गया था कृष्ण जी चले जाते हैं एक साल में उनकी लीला पर्याप्त हो गई थी वो वैकुंठध धाम चले जाते हैं लेकिन समाज में तरह तरह के भ्रम ऐसे रहते हैं बाण से मर गए तरह तरह की मैंने चीजें सुनी है अपराध सुन के दिल दर्द कर जाता है भक्त के दिल में लेकिन ऐसी चीज लोग फैलाते हैं इसलिए मेरे विनती आप है आपसे गीता पढ़िए उसमें देखिए क्या बताया भागवत पढ़ी है भागवत पढ़िए क्या बताया बस टीवी सीरियल से हमको ज्ञान लेने की जरूरत नहीं लेकिन क्या होता है इतना ऑडियो वीडियो डाल के हैं ना आंख को निकालना मुश्किल एक्चुअली सच बोले आप सबको मालूम है इन लोगों को क्या ज्ञान है गीता का इनका जीवन देखिए अभी आ रहा ना बोलना नहीं चाहता ड्रग्स खाते हैं लोग कुछ कुछ दारू पीते ये लोग क्या ग्या? इनका जीवन देखिए मतलब शादी शुदा भी नहीं रह पाते तो। का, का आचार्यों से ज्ञान लेना पड़ता है।, है, है, है अभी कुछ लोग मेरे को ये बोलते हैं संस्कृत सीख लो गीता समझ जाएगी गलत है क्यों देखो मैं इंजीनियरिंग पढ़ाता इंग्लिश पढ़ती तो इंजीनियरिंग समझ आती नहीं वो तो दूसरा ज्ञान है ना फिजिक्स समझ आएगी आप इंजीनियरिंग इंग्लिश पढ़ लिये तो फिजिक्स आ गई नहीं वो अध्ययन करना पड़ेगा वो इंग्लिश से नहीं समझ इंग्लिश तो माध्यम है वो तो पूरा ज्ञान है तो सिमिलरली आप गीता को किसी भी लैंग्वेज में समझ सकते हैं ये तो सत्य है और हिंदी भाषी लोगों को सबसे ज्यादा फायदा है मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ आपको जानकर बड़ी खुशी होगी ये देखो ये है इंग्लिश में गीता ये है हिंदी में गीता आपको दिख रहा है आधा है साइज क्यों हिंदी संस्कृत के सबसे पास है इसलिए इसमें हम इंग्लिश में आपको गीता लिखते हैं साथ साथ हमको एक एक श्लोक का अनुवाद तात्पर्य शब्द लिखना पड़ता है करेक्ट इंग्लिश में भी श्लोक लिखना पड़ता है हमको हिंदी और तो संस्कृत में तो लिपि तो एक ही है ना देवनागरी सीधा आपका फायदा हो गया एक चीज बचा दूसरा हिंदी संस्कृत की तरह बहुत संक्षिप्त है कुछ शब्दों में ही बहुत कुछ बोला जा सकता है हिंदी में बहुत ये हिंदी संस्कृत के सबसे पास है जो लोग हिंदी से सीख रहे हैं जब जल्दी सीख लेंगे क्योंकि वैसे ही आपको आधे शब्दों का तो मतलब सब भाषा भारत में जितनी भाषाएं संस्कृत संस्कृत के संस्कित का स्रोत है वो तो मानता हूं मैं लेकिन हिंदी तो तो सबसे पास है है <laughs> तो ये फायदा है आपको हरे कृष्ण जी हरे कृष्ण प्रभु जी एक सवाल है चैट में वॉट डू यू एक्सैक्टली थिंक ऑफ दुर्योधन वॉज अ बैड मैन और इज गार्डियंस मेड हिम लाइक दैट सिंपली लाइकलीउ यू डिफाइन दुर्योधन नहीं मैंने नहीं बोला भाई वेद के करो सारे कलि पुरुष <laughs> तो कलिपुर इसमें आप कहा ढूंढो ढूंढोगे भी तो आप गुण ढूंढोगे पता नहीं नहीं मिलेंगे ढूंढ दूड़, ढूंढ दूड़, ढूंढने पड़ेंगे जैसे होता है ना एक कचरे में कुछ अच्छा चीज ढूंढने गया ढूंढो ऐसा नहीं है जो महान व्यक्ति होते हैं कचरे में भी अच्छी चीज ढूंढते हैं तो मैं आपका दिल को नमस्कार करता हूँ ठीक है वो तो मैं चीज चाहता मानता हूँ वो भी सब भगवान के दास है वो भी आत्मा है भगवान का दास है ठीक है लेकिन बहुत गलतियां किया था ऐसा जिसे कोई बीमार पड़ता है डॉक्टर उसको देख के गुस्सा नहीं होता डॉक्टर ज्यादा कृपा करता है हरे कृष्ण जी प्रंजय जी आप थे मेरे को लगा आपका सिग्नल चला गया था दिख नहीं रहे आपको सुनाई दिया था उत्तर हरे कृष्णा अच्छा प्रश्न था मेरे ख्याल से आपका उत्तर समझ आएगा अभी थोड़ा आगे चलते रहिए और समझ आएगा मूलतः ये था कि भगवान अलौकिक हैं ये तो भगवान की लीला समझ लीजिए है ना आपका प्रश्न ध्यान के मेरे को खुशी हुआ जिसको भीष्म के बाण से चोट नहीं लगी उसको क्या एक छोटा बाढ़ घंटर के बाढ़ से मृत्यु हो जाएगी बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक भगवान का शरीर अलौकिक है उसमें वो नारायण के रूप में थे उद्धव को उद्धव गीता समझाई गी थी कहाँ भगवान <laughs> को एक छोटा था बाढ़ एक्चुअली ये थोड़ा गलत है मैं इसका भागवत में अध्ययन किया था भागवत में लिखा है कि बाढ़ उनके पैर के पास से जाता है उनकी लीला थी जाना जाने का उनका अरेंजमेंट चल रहा था इस तरह भगवान लीला करते हैं कि नास्तिक आदमी नास्तिक ही रहे देखिए इतना बड़ा धाम था भगवान का द्वारका धाम पानी में डाल दिया अगर वही सोचे अगर द्वारका धाम ऐसे ऊपर रहता तो जो नास्तिक लोग हो तो ईशा से मर जाते तो कहाँ जाएंगे बेचारे वैकुंठ धाम छोड़ के इधर आया हो चलो इधर भी तो जीने दो ना इसमें पानी में डाल दिया भगवान राम ने भी रामेश्वर को जो बा, बांध बनाया था पानी में डाल दिया चलो नास्तिक रहो तो नास्तिक लोगों के लिए भगवान थोड़ा लीला कर देते हैं तो नास्तिक ही रहो जब तक आप भगवान का नाम जप नहीं करोगे या किसी तरह से भगवान का सेवा नहीं करोगे भगवान का अलौकिक ग्रुप आपको दर्शन नहीं मिलेगा है ना ठीक है बहुत तो खुशी है 18 दिन रहना साथ बहुत ज्ञान है सीखेंगे आपका संग में समझेंगे संग्ण हरे कृष्ण हाँ प्रभु जी क्या प्रश्न उत्तर हो रहा था हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी आज के लिए यही समाप्त करते हैं कल करेंगे आप अभी एक प्रश्न था आपने बोला जो हम छोड़ गए थे हम नहीं वो तो दुर्योधन का था हाँ दुर्योधन वही तो आपका दिल बहुत बड़ा है आप दुर्योधन में गुण दिख रहे हम हाँ नमस्कार करते हैं उसको कुछ गुण तो थे ऐसा <laughs> नहीं तो कुछ भी नहीं था लेकिन ज्यादा भी गुण बहुत थे जहर देना बहुत गलत था ये तो ये तो बहुत ही गलत है किसी को इसमें तो मृत्युदंड मिल जाता ना है ना जो छह काम करता है उसको मृत्युदंड मिलता है एक काम किसी को जहर देना बहुत गलत था उनको घर में जला देना उनके घर को उनकी माँ के साथ उनको जला देना क्या अब उसका प्रयत्न किया था ना किया था लक्ष्य ग्रह में उनको जला दिए तो बहुत गलत काम है बहुत ही गलत काम इसको हम कभी माफ नहीं कर सकते गलत काम है वो भी भगवान के बहुत पवित्र भक्तों को ऐसे तरह सताने का कोशिश एक तो सच है कि भगवान के भक्त हमेशा भगवत भक्ति में आनंद में रहते हैं बाहर से ऐसा दिखता था कि पांडव बहुत ही तंग हो गए पीड़ित हो गए अंदर से वो आनंद में जैसे प्रहलाद महाराज आप सोचोगे इतने महान भक्त भक्त प्रहलाद बोलते हैं और हर दिन मृत्युदंड एक दिन प्रभात महाराज वो आनंद में थे वो भगवान के स्मरण में थे कुछ नहीं कर पाए छू भी नहीं पाया उनको तो इस तरह देखिए भगवान के भक्त हमेशा सुरक्षित रहते ठीक है तो चले फिर आज मेरे ख्याल से आप लोगों को क्या है कि आदर के अनुसार आप लोग शिक्षक के पहले जाना नहीं चाहते लेकिन मेरे के समय के अनुसार डेढ़ घंटे में ठीक है कि क्लास खत्म हो कैसा लगता है है हाँ ना तो कि आप भी कभी बहुत है अभी तो पूरा जिंदगी चलना शुरू हो गया है पहले तो कोरोना तो खत्म नहीं हुआ लेकिन कोरोना का भय निकल गया पता नहीं कैसे बहुत डेंजरस है प्लीज बहुत ध्यान रखना हमारे के भी बहुत भक्तों का मृत्यु हुआ है इसमें बहुत जानने वाले आप सबके लोग मरे हैं ध्यान रखिए इसको थोड़ा लोग निडर होके थोड़ा बेवकूफी कर रहे हैं अभी भी ये गया नहीं है थोड़ा दो तीन महीने और ध्यान से थोड़ा दूर रहिए इससे थोड़ा सावधानी बरती गीता के ज्ञान तो समझना है ना एटलीस्ट हरे कृष्ण जी वाचा कल्पत रूप से कृपा सिंधु पति पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण